शुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय आराधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनि नामिने। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तुत श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन हो। उसके उपरांत वृंदावन से आए समस्त ब्रह्मचारीगण एवं मंदिर के ब्रह्मचारीगण एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम है। हमारा अहो भाग्य जो ऐसी विचित्र स्थिति में भी सुंदर हरि कथा का श्रवण गुरुदेव के मुखारविंद से हम कर रहे हैं। श्री गुरुदेव की जय। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथामृत। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, उनमें ये जो पुराण है जब 17 लिख चुके थे और इसके अलावा इतिहास महाभारत वगैरह लिख दिया तो भी उनके हृदय में शांति नहीं पड़ी। इसको लिखने का कारण महाराज श्री ने कई बार हमें श्रवण कराया। उनके गुरुदेव नारद जी आए, उन्होंने कहा हे वेद व्यास जी आप क्यों व्यथित हो रहे हैं, मन में प्रसन्नता क्यों नहीं है। तो बता रहे हैं कि हे गुरुदेव मैंने सब कुछ लिखा, वेद लिखे, एक वेद को 4 में विभाजित किया, पुराण लिखे, इतिहास लिखे, उपनिषद लिखे, तो भी मेरे हृदय में प्रसन्नता क्यों नहीं होती। तो नारद जी ने कहा तुमने कहीं पर भी स्पष्ट नहीं लिखा कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि पुराणों में कहीं पर शिव की महिमा गा दी, कहीं पर पद्म पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा गा दी, इसी प्रकार से अन्य अन्य पुराणों में गणेश, शक्ति, दुर्गा इत्यादि की आपने महिमा का गुणगान कर दिया, तो इससे जीव भ्रमित होगा, उसे यह नहीं पता चलेगा कि वास्तविकता में परमेश्वर कौन है जिसकी मुझे उपासना करनी चाहिए। तब नारद जी के आशीर्वाद से श्री वेद व्यास जी ने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्णचंद्र की सुंदर झांकी का अवलोकन किया। श्री कृष्ण बोलने से मतलब ये नहीं कि अकेले श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का मतलब है राधा कृष्ण और उनकी राधा रानी की 8 सखियां, और वो जो 8 सखियां हैं उनके भी अनुगत्य में अनेकों अनेक सखियां, और ब्रज, वृंदावन, ग्वाल सखा, नंद बाबा, मैया यशोदा, समस्त प्रकार के परिकर, ये सब वेद व्यास जी ने हृदय में दर्शन किए। जब पूरी लीला को हृदय में देखा और मुख्य लीला जो भगवान की है वह रास लीला, उसको जब हृदय में देखा तो जो उनका मन चंचल हो रहा था, अस्थिर हो रहा था, वह स्थिर हो गया। तब जाकर के उन्होंने ये विमल पुराण जिसमें कोई मल नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है, इसको प्रकट किया। श्रीमद् भागवत अमृत की जय। इससे पता चलता है कि समस्त देवी देवता या अन्य ईश्वरों के जो भी ईश्वर हैं वो एकमात्र कृष्णचंद्र हैं। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंदा सर्व कारण कारणमा। जितने भी ईश्वर
हैं उन सब के जो ईश्वर हैं वो कृष्ण हैं, जिन्हें गोविंद के और अन्य अन्य नामों से इनको पुकारा जाता है, गोपाल, कृष्ण, हरि, गोविंद। उसके बाद जब वेदों को और पुराणों को प्रकाशित किया बहुत सुंदर तरीके से चला, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व लोगों ने वेदों का आश्रय ग्रहण करके बलि या जीव हिंसा की और अपनी जीवा को, जो कि उसके जीवा को वेग को बढ़ाया, और उससे बार बार जीव हिंसा करते गए, क्योंकि इसके अंदर वेदों के अंदर कहीं पर बलि की भी स्तुति की हुई है, उसके बारे में बतलाया कि किस प्रकार से बलि देनी चाहिए, वो तो भूल गए, उल्टा जीवा के रस आस्वादन के लिए जीव हिंसा की। तब भगवान ने स्वयं आकर के बुद्ध अवतार धारण किया और बुद्ध अवतार में आकर के उन्होंने कहा कि तुम जीव हिंसा क्यों करते हो, का वेदों में लिखा है, ऐसे जीव हिंसा जिस पुराण या वेद में लिखा हो उस वेद को नहीं मानना चाहिए। बुद्ध भगवान ने अपने ही वेदों का खंडन कर दिया और उन्होंने क्या कहा कि कोई वेद वेद नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, सब कुछ शून्य से प्रकट हुआ है और शून्य में ही समाहित हो जाता है। अर्थात जितना भी तुम संसार देख रहे हो, समस्त प्रकार के जीव देख रहे हो, वो सब कुछ शून्य से प्रकट हुआ और शून्य में ही चला जाएगा। इस तरीके से उन्होंने जो बिगड़े हुए हमारे संस्कार थे उनको सुधारने के लिए वेदों का खंडन किया, क्योंकि वो जानते थे यदि मैं इन्हें बतलाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो या राम की उपासना करो तो अभी ये समझ नहीं पाएंगे, कारण इनकी स्थिति बड़ी अधम हो चली है, इतना इन्होंने जीव हिंसा की है कि इस स्थिति को ये जान नहीं पाएंगे। समय बीता, लोगों ने जीव हिंसा कम की और शून्यवाद की उपासना बुद्ध जो भगवान बतला गए उस हिसाब से उन्होंने किया। फिर देखा भगवान नारायण ने कि देखो मैं तो अपना काम करके आया हूं, इनको गलत संगत से हटा करके, जीव हिंसा से हटा करके कुछ रास्ता दिखलाया, लेकिन ये रास्ता सही नहीं दिखला के आया, क्योंकि मैंने ही अपने अंग को काटा है, अर्थात मैंने अपने वेदों का खंडन कर दिया, अब वेदों को पुनः स्थापित करना है, इसलिए अपने प्रिय शंकर को बुलाया। भोले भंडारी शिव शंकर जी की जय। उनको बुलाकर कहा हे शंभु, मैंने जाकर के संसार में शून्यवाद का प्रचार कर दिया, अब तुम जाकर के शून्यवाद को खंडन करके भगवान निराकार है ये स्थापना कर दो। शिव शंकर भोले रोने लगे हे प्रभु, हे भगवान, इतना सुंदर आपका स्वरूप, इतना सुंदर आपका दर्शन रूप, उसको मैं कैसे कह दूं कि भगवान का आकार नहीं है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है, हे प्रभु ये मुझसे न होगा। रोने लगे शिव जी। भगवान ने कहा ये मेरा आदेश है, अगर शिव जी आप इसको नहीं करेंगे और कोई भी मुझे ऐसा दिखता नहीं जो शून्यवाद से इन जीवों को निराकारवाद में ले आए, क्योंकि सीधा सीधा शून्यवाद से ये भगवान अर्थात मेरे स्वरूप को जान नहीं पाएंगे, इसीलिए तुम जाओ पृथ्वी पर और निराकारवाद का प्रचार करो। भगवान शिव ने रोते रोते उस आदेश को शिरोधार्य किया, हे प्रभु आपकी आज्ञा है तो मैं निश्चित तौर से जाऊंगा। और यहां पर महान संत, महान पुरुष बन करके यहां प्रकट हुए श्री शंकराचार्य। बोलो शंकराचार्य जी की जय। पूरे भारत में शून्यवाद का प्रचार इन्होंने वेदों की पुनः ला करके सबके सामने प्रकाशित किया और कहा भगवान निराकार है। शंकर जी रोते रोते ये प्रचार कर रहे हैं तो भी
निराकार कहते कहते भी उन्होंने हमारे चारों धाम भी प्रकाशित किए, क्योंकि अंदर में तो राधा कृष्ण बसते हैं, सीताराम बसते हैं, तो वो कैसे उनको भूल करके सिर्फ और सिर्फ निराकार की स्थापना करते। इसीलिए उन्होंने द्वारिकाधीश द्वारिका में और रामेश्वरम में आपके रामेश्वर और बद्री विशाल उत्तरांचल में और श्री जगन्नाथ देव जगन्नाथपुरी में प्रकाशित किए, और किसी ने नहीं, ये स्वयं शंकर जी ने प्रकाशित किए शंकराचार्य जी के रूप में। बोलो शिव शंभु भगवान की जय। अब इन्होंने वेदों को, वेदों की जो व्याख्या है वो निराकारवाद में ही प्रस्तुत की, और जो इनके अनुयायी हैं वो पूरा का पूरा उसको ग्रहण करते। एक बार शंकराचार्य जी के हृदय में तो हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये रहता था। इस चीज को कहीं पर वो प्रकाशित भी कर देते थे, कहीं पर बता देते थे कि साकार हैं, तभी मैं स्थापित कर रहा हूं, तो भी लोग बाग जान नहीं पाते थे। एक बार काशी में एक वृद्ध ब्राह्मण जो कि सुंदर संस्कृत की व्याकरण छात्रों को सिखाता था, वो व्याकरण जो है उसमें कई प्रकार के धातु हैं, उसमें एक डुक्रिन धातु है उसकी व्याख्या कर रहा था, उसको समझा रहा था, तो देखा कि इतनी वृद्ध अवस्था चली है शंकराचार्य जी ने और पूरा जीवन इसको व्याकरण की व्याख्या करते हो गया, जीवन इसका समाप्ति की ओर है, कब इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और अभी भी अपनी प्रतिष्ठा और जीविका के लिए लगा हुआ है, कब हरि नाम करेगा। तब उन्होंने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले ना रक्षति डुक्रना। अर्थात अरे वृद्ध ब्राह्मण भज गोविंद गोविंद का नाम भजो, कब भजोगे, ये डुक्रिन जो तुम व्याकरण सिखा रहे हो छात्रों को इससे किसी का लाभ होने वाला नहीं है, अंतकाल में जो अंतकाल सबका आएगा उस समय ये डुक्रिन जो व्याकरण सिखा रहे हो वो तुम्हारी रक्षा कदापि नहीं करेगा, इसलिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जोर से बोलो बोला हरे कृष्णा कोई बोलती है कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। शंकराचार्य जी के जाने के बाद उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने इसका क्या अर्थ लगाया, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, अर्थात जो साधना नहीं कर सकते, जो योग नहीं कर सकते, जो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, जो किसी प्रकार से साधना करके तेज अपना नहीं बढ़ा सकते, वह मूर्ख लोग गोविंद भजो, क्योंकि उनके बस की कुछ नहीं। शंकराचार्य जी क्या बोल के गए कि भज गोविंदम सबके लिए बोलकर गए, तो भी उनके अनुयायी ने उसका उल्टा अर्थ लगाया कि जो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता, वो गोविंद का नाम भजो, वास्तविकता में मूर्ख लोगों का ये काम है, उन्होंने ये घोषणा कर दी। इसी वजह से ये मायावाद का प्रचार हुआ और बड़े बड़े जो शंकराचार्य जी अब बने हुए 8 स्वरूप हैं, उसमें अष्ट धातु दारुब्रह्म
जो अभी जगन्नाथ जी हैं लकड़ी के, इस प्रकार से पत्थर के और अन्य कई प्रकार के बतलाए, ये सनातन है, इसमें साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन है, ये भावना उन लोगों की नहीं होती जो शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं। वो क्या करते हैं, वो ध्यान लगाने के लिए ठाकुर जी को विराजमान कराते हैं। मैं अंतर बतला रहा हूं, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, उसको समझिएगा। ठाकुर जी को विराजमान कराएंगे सिर्फ ध्यान लगाने के लिए, और जब उनका ध्यान जो है एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अर्थात किसी तेज को, निराकार प्रकाश को उनके मस्तिष्क और हृदय में वो समा जाता है, तो वो उनको हटा देते हैं और कहते हैं अब इनकी आवश्यकता नहीं है। इसे कहते हैं मायावाद, क्योंकि भगवान और भगवान का शिव विग्रह अभिन्न है, ये कभी भी प्रपंच प्रपांचिक माया के बने हुए नहीं है, ये सच्चिदानंद घन विग्रह है। इस बात को वो खंडन करते हुए एकमात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। और अब जो हमारा सुंदर वैष्णव विचार है उसमें और उनमें क्या अंतर है, इसको जानना चाहिए। वेदों का, ये नहीं हमारे भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे विश्व का ले लीजिए, ज्यादातर लोग निराकार ब्रह्म की उपासक हैं, सब इस प्रकाश के लिए धावित हैं, मुक्ति के लिए धावित हैं कि मुक्ति हो जाए, लेकिन मुक्ति के पीछे भागते भागते भी वो प्राप्त नहीं होती, कई जन्म बीत जाते हैं, करोड़ों जन्मों में तपस्या इत्यादि करते हैं, तब जाकर के मुक्ति भी कम मिलती है। मुक्ति कल मैंने बतलाया कि भक्ति अर्थात प्रेमा भक्ति के चरणों का आश्रय ग्रहण करती है कि मुझे भी अपनी सेवा में लगाकर मेरी भी मुक्ति कर दो, तब जाकर के उसकी छीटा कशा पड़ती है इन मायावादियों के ऊपर या निर्विशेषवादियों के ऊपर या ध्यानी योगियों के ऊपर, तब जाके उनका जो लक्ष्य है वह प्राप्त हो पाता है। लेकिन वैष्णव जन भक्त जन मुक्ति के पीछे नहीं दौड़ते, उल्टा मुक्ति इनके पीछे आती है कि मुझे भी सेवा का अवसर प्रदान करें। जैसे ध्रुव महाराज का आमचरित सुनते हैं, वहां पर मृत्यु साक्षात उनके चरणों में लोटपोट होकर के बैठी है और मुक्ति देवी कह रही है, हे प्रभु क्या आज्ञा है, मतलब भक्त जो है अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, वो मुक्त होते हैं। जिस प्रकार से अन्य जो मायावादी या निर्विशेषवादी हैं वो साधना इत्यादि करते हैं, और जैसे मैंने बताया शिव विग्रह को जब तक रखते हैं जब तक उनकी साधना पूर्ण नहीं हो जाती, परंतु उनकी साधना और लक्ष्य में भेद है। हमारी साधना और लक्ष्य में भेद नहीं है, हमारी साधना भी भक्ति है और लक्ष्य भी प्रेमा भक्ति है। तो इसलिए हमारा जो धर्म है वो सनातन कहां फलीभूत हो रहा है, वैष्णव धर्म में, क्योंकि हमारी साधना सनातन है जो कि भक्ति, अर्थात जब हम मुक्त भी हैं मतलब भगवान के धाम में चले जाएंगे तो भी वहां हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे ही करेंगे। अभी समय काफी हो गया, महाराज जी से अभी श्रवण करेंगे। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुषि कृपा सिंधुभ्यो पतितना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय Bye.
महाप्रभु आए ना, उन्हें सर्वत्र हरिनाम प्रचार किया और सबको उद्धार हो रहा था। अभी ये कली बड़े दुखी होकर के महाप्रभु के पास में आए, बोले प्रभु जगत में आप ऐसे नाम लाए हो, सबके सब नाम करके सबके सब आपको पास में धाम में जा रहे, अभी मेरे तो कोई स्थान दो नहीं तो मेरे खत्म कर दो। भगवान ने बोले देखो जब कीर्तन होना, जो कीर्तन करेगा उसको पाप उड़ जाएगी, लेकिन कहीं बैठने के लिए जगह चाहिए, कहाँ बैठने का जो हरिनाम नहीं करेगा। इसलिए जो मुंह नहीं खोलते हो ना, हरिनाम क्या होता है, पाप उसको सर पर चढ़ कर बैठ जाती है। इसलिए सबके साथ बोले हरि बोल हरि बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। अचि नंदन गौर हरि की जय। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। बोल ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सर्वरा हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरि कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बार जोर करके बोलो, आप बोलो मैं सुन। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जथा जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोग काम करोगे तब आगे आकर बैठ जाओगे, जो पीछे आएगा ना, जो वहां पर जो बाबा लोग बैठे हो, हमारे भाई लोग आगे आ जाओ, सब पीछे खड़े हो जाओ, जो बैठे हैं सब खड़े हो जाओ। और यहाँ पर बहुत सारी जगह पड़ा हुआ है, आ जाओ पीछे। जो पीछे क्यों बैठे हो, सब सब आगे। यहाँ पर कितना जगह पड़ा हुआ, किसी लिए यहाँ पर इधर आ जा, इधर आ, इधर आ जा, यहाँ आ जा। सब पीछे जाओ, क्यों सब पीछे से उठने के लिए कोई कोशिश नहीं करते, सब चुप। आज आगे बैठ जाओ, यहाँ पीछे उठ के पहले वहाँ पहुँच जाओ। प्रभु जी बोले पीछे बैठने पर
जल्दी प्रसाद पा सकते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। हाँ, जो पीछे जो माता है ना, वो पीछे भी जगह पड़ा होगा, वो सब पीछे बैठ जाओ। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जथा जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत से, जो तीन श्लोकों को हम श्रवण कर रहे थे, ये मंगलाचरण है। कहते जो प्रथम श्लोक है संबंध की बात में बताए, इसका मतलब है हमारी संबंध किसको साथ में हो। कहते भैया सबको साथ में संबंध मत करो, संबंध करना तो श्री कृष्ण को साथ में, बोले अकेले कृष्ण नहीं, कहते श्री राधा कृष्ण को साथ में, बोले अकेले राधा कृष्ण नहीं, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य में जब हम श्री जुगल सरकार की सेवा करेंगे। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जैसे जो राम की भक्ति करेगा वो कहाँ जाएगा, अयोध्या, और जो नारायण की भक्ति करेगा वो जाएगा वैकुंठ, और जो कृष्ण की भक्ति करेगा जाएगा वो वृंदावन, जो ब्रजनंदन कृष्ण की राधा कृष्ण की। लेकिन जो महाप्रभु के अनुगत्य में जब हम राधा कृष्ण को भक्ति करेंगे, आपको पता है कहाँ जाएंगे, बोले जब हमें संसार से छुटकारा मिलेगी एक साथ में, हम भगवान राधा कृष्ण को पास में गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सहचरी बन करके, राधा रानी की सेविका बन करके गोलोक वृंदावन एक स्वरूप में, और दूसरे स्वरूप में हम जाएंगे श्री महाप्रभु धाम में स्वत द्वीप में एक साथ में। इसलिए महाप्रभु की अनुगत्य में राधा कृष्ण की भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। और जो दूसरा जो श्लोक है बोले अभिधेय, अभिधेय मतलब होता है भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है। कहते भागवत कथा सुनो, इसलिए सुन रहे थे ना, सद्य हृदय अवरुद्ध ते कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणा। कहते ये कथा को कौन सुन सकते हैं, बोले कृति भी। कृति भी मतलब जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई सौभाग्य उदय हो तब भी ये कथा को कोई सुन सकते हैं, हैं कोई कथा सुन सकते हैं। इसलिए कहते कथा सुनने का लाभ ये है, केवल इच्छा मात्र करते ही ठाकुर जी उसकी हृदय में आकर के ऐसे बंध जाते हैं, ठाकुर जी इसके हृदय से निकल भी नहीं पाते हैं। इसलिए कहते अभिधेय मतलब होता है साधन क्या है, बोले भागवत कथा सुनो, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल कथा में बैठो और कथा सुनते सुनते ही ठाकुर के पास में अपने आप पहुंच जाओगे। बोले भैया प्रयोजन क्या है, तीसरा श्लोक में बताए जो प्रयोजन हमारी है, कहते श्री राधा कृष्ण का प्रेम। लेकिन प्रेम होने पर भी बोले प्रेम भी कहते पांच तरह से प्रेम बताया, कहते के शांत रस में, और एक होता है दास्य रस में, एक होता है श्री सख्य रस में, और एक बात्सल रस में, और एक श्रृंगार रस में। अच्छे तरह से समझ लो, ठीक है। देखो गौड़ी वैष्णव हमारे संप्रदाय के आप लोग तिलक लगाई कंठी, ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो। कहते जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रेम है, पहला प्रेम है बोले शांत रस में। शांत रस में मतलब क्या होता है, जैसे वृंदावन में जैसे गैया है, वहाँ के बंसुरी है, वहाँ की जो पेड़ है, ये सब के सब शांत रस में भक्ति करते हैं। मतलब है जैसे गैया, इनको जब कृष्ण हांग करके ले जाएंगे तभी जाएगी, जब बंसुरी वो अपने आप कुछ नहीं करता है, कृष्ण जब बजाएंगे तभी ये बंसुरी बजेगी, मतलब अपने आप कुछ नहीं करते हैं, कृष्ण जब करवाते हैं तब करते हैं। लेकिन ये भक्ति को श्रेष्ठ मानी नहीं गई है, इसको ऊपर का भक्ति को श्रेष्ठ मानी गई। ऊपर का भक्ति क्या है, बोले दास्य रस में। जैसे हनुमान जी प्रभु राम की दास्य रस में सेवकाई करते हैं, उनको
अपनी इच्छा से ही ठाकुर जी की चरण की सेवा करते हैं। ठाकुर जी कहीं बैठे तो पूछ से उनको छाया कर देते हैं। ठाकुर जी को कंधे पर लेकर ले जाते हैं। कभी ये दास्य रस है, कभी उससे भी श्रेष्ठ ये दास्य रस है। ये छोटे छोटे बच्चे है ना, इनको सब अलग अलग बैठा दो। ये छोटे छोटे बच्चों को अलग एक साथ में मत बैठा दो। और इनका जो पिता माता है वो बच्चों को संभाले। इसलिए कहते तीसरी जो भक्ति है, हाँ अच्छे तरह समझो, कल मैं पूछूंगा देखूंगा कौन बोल पाता है, क्यों एक से दूसरे क्यों श्रेष्ठ है, जो बोल देगा ना उसमें इनाम दूंगा। ये चीज को अच्छे तरह समझो। कहते उसको ऊपर का जो भक्ति है कहते सख्य रस के। सख्य रस के मतलब क्या है, जैसे भगवान की सखा बन जाना। लेकिन साधारण रूप में क्या दिखाई पड़ता है, जो भगवान की सेवा करता है चरण की, हम कहते सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जब सख्य रस में ऊपर जो जाते हैं ना, फिर वहां पर भगवान और जो भक्त ये बराबर हो जाते हैं, वहां पर बराबर हो जाते हैं, हैं? इसलिए कभी कभी कृष्ण की सखा लोग कहते हैं कृष्ण को, भैया तुम किस चीज के बड़े हो, तेरे पिताजी कितने गैया, बोले 9 लाख, बोले मेरे पिताजी के 11 लाख, बताओ दोनों में कौन बड़े हुए। जब हम दोनों कुश्ती लड़ते हैं कि तेरे को मैं पछाड़ देता हूँ, तू हार जाते हो, तुम किस चीज के बड़े हो। इसलिए ये भक्ति जब ऊपर बढ़ती है, जब ऊपर जाती है, ये दास्य से भी सख्य श्रेष्ठ है। देखो उदाहरण देकर समझो, तुम्हारे घर में एक नौकर दिन भर काम करता है, लेकिन आपका आदेश को पूरा पालन करता है। ए, ये कर, बर्तन उठा, घर पोछा लगा, सेवा तो दिन भर करता है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई दोस्त आ जाए क्या करता है, जहां पर तू बैठे हुए ना वहीं पर बैठ जाए, पर हटना, गले में गलबहनिया देख रहे क्या कर रहा था, क्या हो रहा था, बड़े दिनों में आए हो। अब बता नौकर से बात करने में अच्छा लगेगा ना आपकी दोस्त से, दोस्त से। इसलिए वहां पर बराबर हो जाते, इसलिए उनकी कहते सख्य रस की। लेकिन उसको जो ऊपर भक्ति कहते बात्सल रस की। बोले क्यों, बोले कारण है जैसे बच्चे को भूख लगा कि नहीं, अभी तक बच्चा खेल रहा है खाया नहीं, ये चीज को कौन ध्यान करती है, माँ करती है। ये कोई दोस्त नहीं करता, ये माँ करती है। इतना समय हो गया मेरा बेटा भूखा रहा होगा, खाया नहीं, किस बच्चे के लिए कपड़ा बनाना, उसके लिए पहनाना, स्नान करना कौन करती है, माँ। इसलिए कहते ये सख्य से भी ये श्रेष्ठ हो गए। कौन है, कहते जो माँ की भक्ति उससे भी श्रेष्ठ माँ की भक्ति हो गई। यहाँ पर तो बराबर थे, लेकिन वहां पर क्या हुआ, भगवान हो गए छोटे और भक्त हो गया बड़ा। मैया जसोदा हो गए बड़ी। अगर कन्हैया कभी उत्पटन करता है ना, जैसे मिट्टी खाई, सीधा आकर के मैया कान को पकड़ी, सीधा और कहीं नहीं, कान पकड़ी हैं, उन्हें मटकी फोड़ दी। तो मैया ने किया कि कृष्ण को उन्होंने उखल में बांध दिए। इसलिए वहां पर भगवान तो छोटे हो गए और भक्त क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन उसको ऊपर का जो रस है कहते श्रृंगार रस। श्रृंगार मतलब सर्वश्रेष्ठ, जो श्रृंगार मतलब उनका जो चूड़ा है, उससे श्रेष्ठ भक्ति ब्रज गोपियों की भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति। बोले क्यों, कारण किया, देखना एक माँ बच्चे को 9 महीना तक गर्भ में धारण करती है, कितने प्रसव पीड़ा को सहन करते हुए उसने बच्चे जन्म देती है, मुंह की खाना निकाल करके बच्चों को खिलाती है, कितना रात सोई नहीं होगी बच्चे को लालन पालन करने के लिए। बच्चे को बड़े किए हो, कौन कौन किए हो, सबके किए हो। देखना घर में जब एक बहू आ जाती है ना, फिर क्या होता है, सब पिता माता सबको ये भूल जाता है। अगर थोड़ी इधर उधर हो ना, किसको लेकर अलग हो जाता है, किसको लेकर अलग हो जाता है, पत्नी को लेकर ही। बोले क्यों, बोले पत्नी के अंदर में ये सारे रस है। देखना तब तक उसका बहुत सारे दोस्त तो होगी जब तक तो घर में बीवी नहीं आ जाती है। बीवी आ जाता ना, जैसे कि दोस्तों के साथ में जैसे बात करता है, पत्नी को साथ में भी दोस्त जैसे बात करता है। माँ जैसे बच्चे को खिलाती है, उनको प्रेस कर देती है, कपड़ा धुला देती है, पत्नी भी वो काम भी कर देती है। और पत्नी की जो भाव है सर्वांग दे करके सेवा, ये काम भी कौन करता है, काम को पत्नी करती है। इसलिए उसके अंदर में ये सारे रस होने का नाते इतना दिन जो पिता माता के भूल जाते हैं, क्यों, जहाँ आनंद मिलता है वहीं पर ही व्यक्ति रहना चाहता है। कहते ये श्रृंगार रस में, ये गोपियों के भाव में सर्वश्रेष्ठ रस है। इसलिए भगवान कृष्ण सब जगह में डीग हंकता हंकता आए, मेरे को जो जैसे भजन करता मैं वैसे भजन करता हूँ। लेकिन हे गोपियां,
अगर ब्रह्मा जैसे परमायु पाने पर भी तुम्हारी ऋणी को मैं कभी ऋणी नहीं बन सकता हूँ। अब देखना पति अगर दो एक बोले ना पत्नी दो सुना देती है तीन सुना देती है, हैं? सारा दुनिया में बाहर जाओ पति शासन करता है लेकिन घर में आओ ना पुरुषों का काम नहीं चलता है। घर में किसका हाकिम चलती है? पत्नी की चलती है। भले ही सारा दुनिया तुम जो कुछ करो घर में आते ही सब भूल जाता है। पत्नी जैसे बोलती है वैसे करता है, उठता बैठता है वैसे वो करता है। ये बच्चे को लेकर पीछे चले जाओ, उसको लेकर पीछे चले जाओ, पीछे बैठ लेकर बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भागवत में बताया हमारी जो प्रयोजन है ना ये ब्रज गोपियों का प्रेम ही जीवन में हमारी प्रयोजन है। इन लोगों ने जैसे भगवान की भक्ति की है ये बहुत गरीब हो गया दरवाजा भी खोल दो। इसलिए गत गले हम लोग ये तीन श्लोकों को हम श्रवण कर रहे थे। अभी ये घोर कलयुग आने पर श्री सौनकादि ऋषि लोग कहते श्री ब्रह्मा जी को पास में गए बोले पितामह ब्रह्मा जी आप ये बताओ ये कलयुग से हमें रक्षा कैसे मिलेगी। तब पितामह ब्रह्मा जी अपना मन से एक चक्र प्रकट करते हुए उन्होंने फेंका बोले जहां पर ये गिरे वहीं पर भजन करो तब वहीं पर तुम्हें परम शांति प्राप्ति होगी। वो बड़े दिनों से यज्ञ हजार सालों से यज्ञ कर रहे थे लेकिन मन में शांति नहीं मिल रही। एक दिन भगवत इच्छा से श्री उग्र सभा सूत आए। इसलिए सूत दो है कहते एक है लोमहर्षण सूत और एक होता है उग्र सभा सूत। उग्र सभा मतलब होता है जो एक बार सुन ले बार सुनते जो सब कुछ याद हो जाता है इसका नाम कहते उग्र सभा सूत। इसलिए जब 88,000 ऋषि बैठ करके जब सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे थे ये उग्र सभा सूत सबसे पीछे बैठे हुए थे लेकिन इनके हृदय की सारी संपत्तियों को उन्होंने ही सब कुछ उन्होंने धारण किया। इसलिए बोले हमारी जो श्रवण है ना उग्र सभा होनी चाहिए। मतलब क्या जो एक बार सुने लेकिन कभी कभी तो दुनिया की बहुत सारी बात याद रखते हैं कहीं झगड़ा होना किसी साथ में 20-30 साल का बात को भले तुमने ये बात तो आया था लेकिन कृष्ण कथा को ही भूल जाते हैं। भैया दुनिया की बात याद करे कोई लाभ नहीं। याद करना तो किसको याद करो भगवान की कथा को हमें याद रखनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सब कुछ हृदय में उन्होंने सब कुछ उन्होंने धारण किया है। श्री सुत गोस्वामी जब श्री सुत गोस्वामी आए गुरु जी आए इसलिए गुरु जी को देख करके उन्होंने सौनकादि ऋषि ने आसन दे करके बैठा है बोले आप तो गुरु जी के आशीर्वाद से समस्त वेद पुराण इतिहास को आपने अध्ययन किया है इसलिए आप कृपा करके बताओ ये घोर कलयुग है और घोर कलयुग में विशेष करके लोगों का परमायु कम है। किसी समय पहले ये नियम होता था जब तक परमायु पूरी नहीं हो तब तो कोई नहीं मरता था लेकिन कलयुग में कोरोना आया ना देखो कब कौन गया जिसको पता ही नहीं है। इसलिए कब ये काल आकर के पकड़ेगा कोई बता नहीं सकते हैं। इसलिए आप बताओ ये कलयुग में मंदा सुमंद मतयो लोगों का जो मन है बड़ा मंदमती है। देखना भजन करने के लिए तो आचमन करके आसन बिछा करके बैठ करके फिर जब हम गुरु मंत्र जब करते हैं हरिनाम जब करते हैं देखना पता नहीं मन अपने आप कहाँ भाग जाता है। आधा घंटा बाद में पता चला भैया मन तो है ही नहीं हम तो हानि कर रहे थे हैं। लेकिन कलयुग में मंद अत्यंत विशेष कर कलयुग में ये टीवी स्मार्टफोन ये सब इंटरनेट आ करके तो सारे बच्चों को पूरा पूरा भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए आप कृपा करके बताओ फिर कलयुग में झुपद्रुत मतलब क्या है। कोई अगर बच्चा थोड़ी सी साधु संघ में जाए ना तिलक कंठी धारण कर ले बोले कई उम्र है तेरा है अभी से सब कंठी तिलक माला क्या लगा लिया तुमने लेकिन शराब पिए बीड़ी सिगरेट फूके ना बोले वेरी गुड बच्चा तो एडवांस हो रहा है। लेकिन अगर सत्संग में जाकर कथा सुने भगवान की भजन करे तो पता नहीं कितने उपद्रव इस विषय में। अगर पत्नी अगर सत्संग में आकर के थोड़ी सी अगर प्रभु की भजन कीर्तन करना शुरू कर दे बोले कौन सा बाबा की चक्कर में तो बढ़ गई हैं? जब देखो माला कंटी तिलक लेकर बैठी हो। अगर पति लोग भी अगर थोड़ी सी भजन करे तो हैं बोले कोई काम धाम नहीं जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो। इसलिए तब उन लोगों ने उनको बोले ये तब उनने 6 प्रश्न किया है कहते ये 6 प्रश्न का उत्तर ही श्रीमद् भागवत है। जो पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। दूसरी प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है।
तीसरा प्रश्न है, हमें कृष्ण कथा सुनाओ। कृष्ण एक होने पर भी उनका तीन धाम है, द्वारका, मथुरा और श्री वृंदावन धाम। तीनों कृष्ण की कथा सुनाओ। और उनका जो चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं समस्त अवतारों का भी कथा सुनाओ। पंचमा प्रश्न है, भगवान की अद्भुत जस की कथा सुनाओ। छठवां प्रश्न है, भगवान जब जगत छोड़कर गए, ये कलयुग में धर्म कहां पर उन्होंने आश्रय लिया। उन्हें ये छह प्रश्न की। अब ये प्रश्न सुन करके सुतो गोस्वामी का रोम रोम खिल उठा। बोले क्यों, इन्होंने जो प्रश्न है कोई इधर उधर कोई ग्राम में प्रश्न है नहीं, जिसका उत्तर में केवल भगवत कथा है, जिसमें केवल चर्चा होगी और कोई कथा चर्चा नहीं। इसलिए कहते हैं, अगर संतों को प्रसन्न करना तो भैया जाकर के दुनियादारी की बात संतों को मत कहा करो, हमारे घर में ये हो गया, हमारी ये हो गया, हमारी ये हो गया। अगर संतों को अगर खुश करना चाहते हो क्या करो, केवल उनको भगवान के बारे में पूछो, क्योंकि संतों का यही लक्षण है, मत कथा मत कथा चिंता बोधयंत परस्पर कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। ये भक्तों का लक्षण है, बोले तो ठाकुर के बारे में, सोचे तो ठाकुर को बाल में, चर्चा करे तो ठाकुर जी को बारे में चर्चा करे और दूसरे ऊपर में नहीं। लेकिन कलयुग में ऐसे हो गया नहीं, अगर कोई चमत्कार दिखाते ना, कोई बहुत निकाल दिया, अरे बाबा रे बाबा का, तो अगर किसी ने थोड़ी सी हाथ लगा दिया, कोई अगर रोग सही हो गया, बोले बाबा रे बाबा बहुत बड़े संत है। कहते ये संतों का काम नहीं है। बताओ हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं, राम की भक्ति, राम का नाम करते हैं। तुलसीदास क्या करते हैं, ठाकुर का भक्ति, ठाकुर का नाम ही करते हैं। सूरदास दिन भर क्या करते हैं, भगवान की भक्ति, भगवान की नाम ही करते हैं। हाँ, अगर शांति अगर मिलेगा तो भैया ये दुनियादारी वस्तु आपको शांति देने वाले नहीं। शांति अगर कोई देगा तो भगवान की भजन ही देगा, भगवान की भक्ति ही शांति सुख दे सकते हैं। इसलिए इनके रोम रोम खिल उठा। उन्होंने प्रश्न की बड़ी सराहना की करके बोले, पहले में गुरु जी की वंदना करते हुए तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। बोले बंदाओ गुरु पद पदो उन्होंने श्री गुरु जी की चरण वंदना करते हुए उन्होंने उनके प्रश्न की उत्तर दी। बोले गुरु जी की चरण क्यों वंदना की है, बोले इसका कारण बताए। बोले एक समय भगवान कृष्ण ने सारे उन्होंने ग्रंथों को बुलाया, बोले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। कौन बुलाया, भगवान कृष्ण ने सारे वेद पुराण उपनिषद सबको उन्होंने बुला करके उन्होंने प्रश्न की। उनका प्रश्न है, कहते भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है, भगवान हमें जल्दी से जल्दी ठाकुर जी हमें कैसे मिल सकते हैं, और भक्ति का डेफिनेशन किया है। उनने वेद को खड़े किया, वेद भी खूब स्लोगान दिया, हम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सुरय। इसलिए देवता लोग क्या करते हैं, भगवान की चरण कमलों को दर्शन करते हुए आनंद को प्राप्त करते हैं। भगवान सुन करके संतोष नहीं हो बैठ जाओ, तो उन्होंने उपनिषद को बुलाया, भैया तुम बताओ। उपनिषद ही बताए, बोले अनन्य ममता भक्ति ममता प्रेम संगता, भगवान के चरण में अनन्य प्रेम ठाकुर के चरण में करनी चाहिए, जिसको ध्रुव प्रह्लाद जिसको नारद आदि जैसे किए। भगवान बोले हाँ तुम तो बताया लेकिन बैठ जाओ। तब उन्होंने उसको बाद में ठाकुर जी समझते पुराण को भी खड़े कर दिए, बोले बताओ। पुराण भी अपनी बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्रवचन दिया है, वर्णाश्रम आचार्य बता पुरुषन परपुमान। अगर ये वर्ण आश्रम धर्म को जो सही सही रूप में जाजन करते हैं, इसको द्वारा ठाकुर को खुश कर सकते हैं। लेकिन भगवान खुश नहीं हुए। अभी भगवत गीता को खड़े किया, भैया तू भी बोलो कुछ,
गीता भी खड़े होकर के बोले देखो यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन। अगर करना तो भगवान के लिए करो, जो कुछ करो ठाकुर जी के लिए करो, जत करो से जत स्नासी, जो कुछ करो जो कुछ ग्रहण करो भगवान के लिए करो, इसको द्वारा ही आत्म का शांति होगी। इसलिए सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज। कृष्ण कहते हे अर्जुन तुम सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। इसलिए मन मना भव, मन को मेरे को दे, मत भक्त भव, भक्त बनना तो मेरे ही भक्त बनो, पूजा करना तो मेरे और प्रणाम करना तो मेरे, इसको द्वारा तुम मेरे को प्राप्त करोगे। कृष्ण बोले हाँ तुम भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताए लेकिन बैठ जा, अभी सब शास्त्र तो दुखी हो गए, हम इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया बात बताए, ठाकुर जी हमें तो बैठा दिया, केवल एक ग्रंथ रह गया, बाकी कौन रह गया? बोले ये भागवत ग्रंथ केवल बाकी रह गया। सबके सब भागवत का मुंह की तरफ में देख रहे हैं, भैया ये क्या बोलेगा, हाँ अगर ये फेल हो गया तो सब फेल हो गए। तब जब भागवत ग्रंथ को खड़े किए, भागवत ने केवल दो श्लोकों को बोले, हे ठाकुर जी सुनकर खुश हो गए, कहते ये दो श्लोक क्या है? पहला श्लोक था ये श्री भरत महाराज रघुगण महाराज को कह रहे हैं, बोले रघुगण न तपस्या न जाति न इजया न निर्बाप न गृहत्पा नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषयकम्। बोले भगवत प्राप्ति की रघुगण न तपस्या, बोले तपस्या से भगवान नहीं मिलते हैं। बोले बड़े कोई कुल में जन्म ले लिया, बोले नहीं मिलते हैं। हैं बोले इज्जया दिन भर सेवा पूजा करते हैं, बोले उसको द्वारा नहीं मिलेगा। बोले कोई घर बार छोड़ करके जटा जुट धारण कर लिया मिलेगा, बोले नहीं। बोले दिन रात कोई वेद पढ़ता है, बोले नहीं। बोले दिन भर कोई अग्नि देवता का पूजा करते, बोले नहीं। बोले तुम सब सब नहीं नहीं बोल दिया, होगा कैसे? बोले केवल एक चीज में होगा, बिना महत पदो रजो विषय। जब तक कोई शुद्ध साधु का शरण तुम नहीं लोगे, जब तक शुद्ध साधु की चरण को तुम आश्रय ग्रहण नहीं करोगे ना भैया, जो कुछ करना कर लो भगवान मिलने वाले नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनो गुरु बाबा निधि तारा ही न कोई, जो बीरिंची सामारा सामा होई। कहते ब्रह्मा शंकर भी जैसे बन जाओ ना भैया, जब तक किसी शुद्ध साधु का शरण नहीं लो कुछ भी होने वाले नहीं। फिर दूसरा श्लोक उठाए उन्होंने, जब प्रहलाद को उसको पिताजी ने बताया, बोले बेटा ये बताओ, जब जब मैं कोई बात करता हूँ तो भगवान 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 ही भगवान बोलते जा रहे हो, ठाकुर की कथा सुनो, ठाकुर का स्मरण करो, उसकी पूजा करो, तेरे बुद्धि को किसी ने बिगाड़े? सत्ययुग में तो एक हिरण्यकश्यप घर घर में हिरण्यकश्यप हो गए, वहां पर तो एक हिरण्यकश्यप थे, अभी घर घर में हिरण्यकश्यप हो गए, मतलब क्या है? हैं? अगर कोई भगवान की भक्ति करे ना, ठाकुर को भजन करे, बोले तेरे बुद्धि बिगाड़ दिया, लगता है किसने हैं तेरे बुद्धि को ब्रेन वॉश कर दिया है, हैं? ब्रेन वॉश कर दिया, इसलिए तुम भगवान की भक्ति भजन कर रहे हो, ये अद्भुत है। लेकिन उल्टा पुलटा काम करना, बोले ब्रेन वॉश नहीं हुआ, लेकिन भक्ति करते करते तुम्हारे ब्रेन वॉश किसने कर दिया है? जो सही काम को करे है। इसलिए जब उन्होंने पूछा क्या ये संधा अमर करने तेरे बुद्धि को बिगाड़ दिए, तो प्रहलाद महाराज कहते पिताजी नैसांग मति स्थावत उरु क्रमांग्री स्पीसार्थ अनर्थ अपगमम जदर्थ। बोले पिताजी ये जो मति है ना, नैसांग मति स्थावत उरु क्रमांग्री, तब तक ये मति प्रभु के चरण में नहीं लग सकती। बोले कब तक है? हैं? जब तक कोई शुद्ध साधु की शरण में अगर कोई नहीं जाए ना, संतों की शरण में नहीं जाए, तो जो कुछ कर दो भैया भक्ति होने वाले नहीं। जैसे आप बड़ों तो में कुछ लोग तिलक कंठी माला धारण कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बड़ों तो में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम ही इतने की कथा सुनने के लिए आए हो, और जो कल में कंठी माला तिलक किसने लगाया, कारण क्या है, किसने ये भक्ति धारा को लाए बोलो, अरे लाया कौन बोलो, नवीन प्रभु से लाए ना, ताली बजाओ सब जब। लेकिन देखो एक भक्त कोई आया तभी तो हमें बुलाया ना, तभी तो हम बुलाए। इसलिए कहते भैया चोर को साथ में बैठे तो चोर बनोगे, जुआरी को साथ में बैठे जुआरी बनोगे, गंजड़ी को साथ में बैठे तो गंजड़ी बनोगे, और भक्तों के साथ में बैठोगे तो
भक्त बनोगे। इसलिए कहते हैं बिना महत पदो रजो भी से कम, जब तक किसी महान संतों की शरण नहीं लोगे कुछ भी होने वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने हैं, इसलिए जब हनुमान जी से जब विभीषण मिले, विभीषण क्या कहते हैं, आज मैं भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिला ही नहीं संता, जो रघुवीर मैं अनुग्रह के नितो मैं दर्श इट दिन है। इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम श्री सुतो गोस्वामी अपना गुरुदेव कौन है, श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। बोले मेरे गुरुदेव कैसे, बोले साधारण नहीं, जो मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे हैं, जब वहां से निकले वन के तरफ पे जा रहे थे, उनको पीछे हाँ पुत्र करते करते श्री व्यास देव जा रहे थे, प्रतिध्वनि आ रहा था हाँ पुत्र, बोले कौन किसका बेटा कौन किसका माता, झूठा संसार, मैं भी कभी तुमका पिता रहा होगा। कहते मेरे गुरुदेव समस्त लता पताओं में भी हमारे गुरुजी की विद्यमान। इसलिए जब गुरुजी सर्वत्र विद्यमान है, गुरुजी मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए और इनकी प्रश्न का मैं उत्तर दे सकूं। इसलिए पहला प्रश्न क्या था, अरे बोलो जोर से, इतने जल्दी भूल गए, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसका उत्तर देते हैं। बोले सबई पुंसांग पर्व धर्म जत भक्ति रधक सजे, आहै तो की अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीदति। यहाँ पर कहते हैं तब भी आत्मा को पूर्ण शांति मिलेगा, हमें भी शांति मिल रहा है, बताओ संसार में शांति नहीं होगा तो क्यों रहेगी, संसार में भी शांति सुख है थोड़ी बहुत है, ऐसे नहीं थोड़ी बहुत है, जैसे दिन के बाद में रात है, रात के बाद में दिन आती है, दुख बाद में सुख, सुख बाद में दुख आती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जया आत्मा संप्रसिद्धति, मतलब है ये आत्मा को पूर्ण शांति कब मिलेगी, जो ऐसे शांति मिले कभी दुख आए नहीं, सारा जीवन तुम्हारी आनंद ही आनंद में रहे, संसार में आनंद है लेकिन थोड़ी बहुत आनंद है, थोड़ी समय के लिए आनंद आई, देखना थोड़ी बाद में आनंद कहीं चली गई, एक दुख सामने है, कोशिश करते किसी तरह से दुख हल हो जाए, शांति मिलेगा, देखना वो दुख तो दूर नहीं हुई, दूसरे दुख संसार में आ गई। लेकिन कहते जया आत्मा संप्रसिद्धति, मतलब है ये आत्मा को पूर्ण शांति कब मिलेगी, जो आनंद ही आनंद, कभी दुख तुम्हारी होने वाले नहीं, तब कहते तभी मिलेगी। बोले सबई पुंसांग परो धर्म, ये जीव का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म किया है, कहते कर्तव्य और एक धर्म, कर्तव्य धर्म में फर्क किया है, जैसे संसार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार, ये तुम्हारी कर्तव्य, ये तुम्हारी धर्म नहीं, ये तुम्हारी धर्म नहीं। जैसे जल का धर्म किया है तरलता, बर्फ का धर्म काठिन्य, उसी तरह आत्मा का धर्म किया है, बोलो परमात्मा को भक्ति करना ही ये आत्मा की, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इससे और बड़ा धर्म जगत में कुछ है नहीं, प्रभु का भक्ति ही। इसलिए हनुमान तो यही करते हैं ना, दिन भर राम की सेवा, राम की सेवा और राम के नाम करते हैं, इसलिए ये जीव का परम धर्म है। कहते अगर कोई संपूर्ण रूप में ठाकुर के चरण में शरणागत होकर के, बोले भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले भक्ति होनी चाहिए निष्काम, इसमें कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए, है निष्काम भक्ति होनी चाहिए। और दूसरी बोले निरंतर जमाई, उदाहरण देते जैसे शहद को डालो ना, जैसे उसमें के धागा बनी जाती है, उसी तरह भक्ति में कोई बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, 24 घंटा में 24 घंटा प्रभु की भक्ति हो, जैसे हनुमान जी करते हैं दिन भर राम की सेवा और राम की नाम करते हैं। आप बोलोगे थोड़ी हम साधु संत हैं, दिन भर माला लेकर थोड़ी बैठेंगे, हमारे बीवी बच्चे संसार दुनिया है। कहते भैया जो जहाँ पर रह करके जितना भजन करता है ना, वो उतना बड़ा ही संत है। आप ये मत समझो जो घर बार छोड़ करके हम लोग जैसे ऐसे गौरी की कपड़ा पहन लिया वही संत नहीं, ये संत नहीं है। अब भागवत में कथा सुनो, जितने कथा गृहस्थों कथा है, आप बता प्रहलाद महाराज गिरी थे ना त्यागी थे, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, ब्रज की गोपियां, सब घर में थे, कोई घर छोड़े नहीं, सब घर में थे। लेकिन घर में रहते हुए भी वो जो कुछ करते थे ठाकुर को सेवा मान कर करते थे,
घर में जो कुछ कर पैसा कमाओ, पैसा के बगैर कुछ थोड़ी हो सकता है। लक्ष्मी के बगैर तो नारायण की सेवा हो ही नहीं सकती। लक्ष्मी खूब कमाओ, लक्ष्मी थी तभी तो भागवत कथा हो रही है। रोज रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद कहाँ से पा रहे हो? लक्ष्मी से तो पा रहे हो ना, लक्ष्मी तो चाहिए। लेकिन लक्ष्मी क्यों रोजगार कर रहे हो, उसका लक्ष्य सही होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की है, अगर उनकी सेवा के लिए अगर संग्रह कर रहे हो, ब्रह्मा जी कहते तब तक ये माया है जब तक मैं और मेरा भाव रहे। लेकिन जब मैं भगवान का सेवक हूँ और मेरा जो वस्तु ठाकुर का सेवक है, अगर भगवान के लिए सब कुछ करना, फिर तो वो बंधन नहीं कहते, वो माया नहीं कहते, वही भगवान की भक्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हाथ में जो कुछ करो प्रभु की सेवा मान कर करो, रसोई बनाओ तो ठाकुर के लिए, झाड़ू लगाओ तो भगवान के मंदिर में, बच्चे को सुलाओ तो बच्चे किसने दिया है, ठाकुर क्या बच्चे हैं, इसलिए बड़े बनकर के भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए कहीं भी रहो, महाप्रभु कहते हैं गृह वा बने तो ठाको सदा हरि बलि ठाको, घर में रहो नहीं तो वन में रहो। क्या करो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले बदंती तत्तत्व विदस्तत्व जज ज्ञानं मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। बोलो एक ही ब्रह्म है लेकिन उनकी तीन प्रतीति है, एक ब्रह्मा, एक परमात्मा और एक भगवान है। लेकिन ये जो ब्रह्मा जो ज्योति स्वरूप में जो ब्रह्म है, उनको कौन उपासना करते हैं? बोले ज्ञानी लोग, जो भगवान अभी सुन रहे थे ना, पहले एक बौद्धवाद था है, कहते बुद्ध दो तरह से, चीज समझ लो, बुद्ध एक नहीं बुद्ध दो है। एक होते हैं जो बोधिसत्व प्राप्त करके हैं, जिसको बौद्ध बुद्ध प्राप्त तो हो ही, कहते ये जो साधारण बुद्ध है, लेकिन ये लुम्बिनी ग्राम में जो जन्म हुए। लेकिन एक अंजना सूत जो हुए बुद्ध जी, कहते ये भगवत बुद्ध बता रहे, जो शून्यवाद को जो स्थापन किया है, तो जो साधारण बुद्ध जो था है, जो साधारण बुद्ध था, इसने ही उन्होंने जा करके बगैर गुरु के हैं, जब ये बुद्ध देव जन्म हुए, ध्यान देकर सुना, जब बुद्ध देव जन्म हुए, जो साधारण बुद्ध भगवत बुद्ध ने, जब साधारण बुद्ध जन्म हुए, तब उन्होंने एक ही बेटा था राजा की, तब हर पिता की इच्छा होता है बेटा का भविष्य तो क्या है। बोले ये तेरे बेटा तब तक घर में रहेगा जब तक घर में, घर से बाहर निकले तो फिर ये घर में नहीं रहेगा, संत बनने वाला है। उसको पिता किसी तरह से घर से बाहर जाने नहीं दे, कभी घर से बाहर नहीं जाने देखे, ज्योतिष बोल दिया। लेकिन जो बड़ा हो गया ना, एक दिन मचल गया, बोले मेरे को बाहर नहीं छोड़ रहे हो, मेरे को पता कैसे चलेगा संसार क्या है। इतने मचल गया, बोले मंत्री को बोले इसको साथ में ले जाओ और साथ में ले जाना। लेकिन जब घर से निकला है ना, एक बच्चा जन्म लिया है, अब देखना बच्चा जब जन्म लेता है बड़ी जोर जोर से रोता है, हैं बड़े जोर जोर से। बुद्ध देव ने प्रश्न की, बोले ये क्या महामंत्री, घर से तो बाहर निकला नहीं, पता नहीं बच्चा क्या जन्म होता है, बोले ये क्या रो रहा है क्यों? बोले एक बच्चा ने जन्म लिया ना, इसलिए ये जोर जोर से ये रो रहा है, हैं? बोले क्या हम जब जन्म हुए हम भी रोए? बोले आप भी रोए। और थोड़ी दूर गए, देखा एक व्यक्ति बड़ी बीमारी में इतने जोर से चीख रहा था, बोले ये क्या है? बोले एक व्यक्ति बीमारी ग्रस्त हुए। बोले क्या सबको बीमारी पड़ता है? बोले सबको बीमारी पड़ता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि किसको नहीं होता है बताओ, सबको होता है। इसलिए बोले हमें भी ऐसे भोगना पड़ेगा, तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। और थोड़ी दूर गए, देखा है कि बूढ़ा चल रहा था लठिया लेकर के, चल नहीं पा रहा था, बड़ी कठिनाई से चल रहा था। बोले ये क्या है? बोले एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया लठिया लेकर चल रहा है। बोले क्या हमें भी ऐसे एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा? बोले बताओ कौन बूढ़ा नहीं बनेगा। कहते जीवन में जो सबसे ज्यादा कष्ट है ना, बताइए बुढ़ापा सबसे ज्यादा कष्ट। देखना सारा दुनिया नफरत करता है, देखना बैल जब तक काम करता है ना किसान, तब तक उसको खाना देता है, जब काम नहीं कर पाता क्या करता है, फिर उसको एक कोड़े में फेंक देता है, उसको एक कोड़े में फेंक कर रखता है। बुलाने पर भी
इंसान जब बूढ़े हो जाए परिवार को बुलाने पर भी बूढ़े पास में नहीं आता है, खासता रहता है, सब दुनिया भर तो बूढ़ा कब मरेगा, अभी तक भी नहीं मरता है। इसलिए ये सबसे बड़ा दुख का जीवन है। बोले हमें भी बूढ़ा बनना पड़ेगा, भैया भैया सबको बूढ़ा बनना पड़ेगा। और थोड़ी दूर गए था, देखा एक व्यक्ति शरीर छोड़ दिया, चार व्यक्ति कंधे पर ले जाए थे, बोले राम नाम सत्य है, बोले गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है। बोले ये क्या है? बोले एक व्यक्ति मर गया ना, उसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। बोले एक दिन क्या हम ही से मरेंगे? बोले भैया एक दिन सब मरना ही है। लेकिन और थोड़ी दूर गए ना, वो देखा एक व्यक्ति को चिता में जला रहे थे। बोले ये क्या है? बोले जो व्यक्ति को कंधे पर ला रहे थे ना, ये अंतिम जो स्थान यही है, एक दिन सबको यहीं पर आना पड़ेगा और एक दिन सबको जलाएंगे। बोले हमें भी जलाएंगे, बोले तेरे को भी जलाएंगे। लेकिन और थोड़ी दूर गया तो देखा एक संत बैठ करके भगवान की भजन कर रहा था, भगवान का कीर्तन कर रहा था और मस्ती में झूम रहा था। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोले ये क्या है? बोले एक संत बाबा है, वो प्रभु का भजन में मस्त है। बोले भैया सबसे ज्यादा आनंद तो इसमें ही दिख रहा है, कोई दुनिया की कोई चिंता नहीं, प्रभु की भजन में मस्त है, आनंद में डूबा हुआ है, हैं? लेकिन जब वो वापस आया ना, ज्योतिष ने क्या बताया था, जब तक उसको घर से बाहर नहीं निकालोगे तब तक ही रहेगा। घर से बाहर निकाल दिया ना, बस ये संत बनने वाले आकर के सोचने लग जाता है, एक दिन बूढ़ा बनना पड़ेगा, एक दिन डंडा पकड़ना पड़ेगा, एक दिन राम नाम सत्य करते जलाएंगे। भैया सबसे बढ़िया जीवन देखा संतों का जीवन है, जो प्रभु की भजन में मस्त है। बोले इसका क्या होगा? बोले प्रभु का भजन करके भगवान के पास में जाएगा। कृष्ण गीता में कहते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। हे अर्जुन, अगर कोई मेरी भक्ति करके मेरे पास में आ जाए फिर तो जन्म मृत्यु दुख कष्ट चिरकाल के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर तो उन्होंने सब छोड़कर घर छोड़ दिया, सब छोड़कर संत बन गए। लेकिन संत तो बने, लेकिन उन्होंने किसी शुद्ध साधु का चरण आश्रय नहीं लिया। वो अपने आप जाकर के ध्यान में बैठ गए, भगवान को स्मरण करने लगे, हैं? भगवान को स्मरण करते करते इसलिए शास्त्र कहता है संप्रदाय विहीना जे मंत्रास्ते है विफला मता अतहु कलो भविष्यन्ति चत्वर संप्रदाय। ध्यान देकर सुनो, ये भगवान खुद कहते हैं, कहते अगर कोई मेरे कलियुग में मेरे पास में आना चाहता है, मैं कलयुग में चार ही संतों को जगत में भेजूंगा, एक ब्रह्मा जी, एक लक्ष्मी, एक रुद्रदेव और चतुसन। कहते ये चार वैष्णव संप्रदाय में अगर कोई एक वैष्णव संप्रदाय को अगर कोई अनुगत ग्रहण करे वो एक दिन जरूर मेरे पास में आएगा, भगवान खुद कहते हैं। लेकिन इसको छोड़कर अगर कहीं और मंत्र ग्रहण करे, भगवान कहते निष्फलामता, उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। क्यों? वो मेरे से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए मेरे पास वो नहीं आ सकता है। इसलिए बगैर गुरु के थोड़ी ज्ञान होता है, तो गुरु गुरु कुछ किया नहीं, जाकर बैठ गए। बोले क्या ध्यान करोगे? वो निराकार ज्योति को स्मरण करते करते कुछ भी नहीं मिला जीवन में। जब कुछ भी नहीं मिला, उन्होंने एक नया मत निकाल दिया, भैया भैया कुछ भी नहीं, कुछ तो मिले ही नहीं, हमें शून्य ही मिला। इसलिए उनको फिलोसफी है वो शून्य से आए और मरने के बाद फिर उसी शून्य में ही तुम लीन हो जाओगे। क्यों? अगर गुरु ग्रहण करते हुए अगर भक्ति करता तब तो कृष्ण मिलते हैं ना, तब तो ठाकुर मिलते हैं। और तो गुरु किया ही नहीं, कुछ मिला नहीं जिंदगी में, जीरो ही मिला है, वो जीरो ही मिला। इसलिए बौद्धवाद है। लेकिन इसी बौद्धवाद को दूर करने के लिए फिर उन्होंने श्री शंकर जी को उन्होंने भेजा जगत में। क्यों? भले उन्होंने इतना पृथ्वी में ये बौद्धवाद फैल गया था, इतने फैल गया था, बल्कि ये काम को साधारण व्यक्ति इसको संभाल नहीं सकते, इसलिए शंकर जी को बोले ब्रह्मवाद में स्थापन करने के लिए। मतलब है शंकर जी आकर क्या बोले, तू तो भगवान, तू क्यों कहते भगवान भगवान कुछ नहीं? अगर किसी व्यक्ति को बोलो भगवान का दास, बोले हम क्यों दास बनेंगे, हम मालिक बनना चाहते। अगर किसी को बोले तू ही भगवान ना, बोले मैं भगवान, मैं तो मालिक हूं। इसलिए बोले अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए चार उनके वेद वाक्य लिया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि तुम वही हो, सर्वम खलयुदम ब्रह्मम, जगत में जो कुछ देख रहे हो। उन्होंने ब्रह्मवाद को स्थापन किया। फिर उसको बाद में उन्होंने रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निम्बार्क ये संतों को भेज करके फिर उन्होंने भगवान की भक्ति को प्रचार किया।
जो धीरे 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 इस जगत में भगवान की जगत में भक्ति फैला है। इसलिए यहाँ पर कह रहे वो एक ही ब्रह्म है, एक ही भगवान है, उसको ज्ञानी लोग निराकार निर्विशेष रूप में दर्शन करते हैं, जोगी लोग अंगुष्ठ परिमाण रूप में, और भक्त लोग उनको भगवान रूप में दर्शन करते हैं, हैं? भगवान रूप में दर्शन करते हैं। लेकिन कहते पूर्ण प्राप्ति किसको होता है, केवल भक्तों को ही पूर्ण रूप में ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। कोई जय के हे बोल रहे हो, बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना, जय देखो तो जोर से भूख लगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। तब यहाँ पर श्री सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, बोले बड़ा आश्चर्य की बात है, जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को निमंत्रण दो मंदिर में कथा हो रही है, अगर छोटी मोटी किसी को काम हो ना, दुकान पुकान बिजनेस, बोले मेरे पास में समय नहीं। लेकिन श्री परीक्षित महाराज पृथ्वी का राजा, पृथ्वी का नहीं संपूर्ण भारत का नहीं पृथ्वी का राज्य तो कर रहे थे, इतने बड़े छोटे मोटे नहीं चक्रवर्ती राजा थे, हैं? पहले हमारे भारत संपूर्ण पृथ्वी एक ही राज्य था, बाद में धीरे 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 ये विभक्त तो हो गया है। इतने बड़े राज्य में राज्य तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ करके सात सात दिन तक उन्होंने कथा में बैठे, बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों? उनको पता था भागवत में हमें जितने शांति मिलेगी, भागवत में जो रस हमें मिलेगा, भागवत में जो आनंद मिलेगा, जो लाभ होगा ना, और किसी चीज में लाभ नहीं होगी, तभी तो पृथ्वी के राज्य तो करते हुए भी उन्होंने घर छोड़ करके कहां पर आए, भगवान की चरण में बैठ कर तभी तो कथा सुने ना। और सुखदेव गोस्वामी ये कैसे थे, बोले रमते जोगी बहते पानी, एक जगह पर उतना समय टिकते थे जितना समय एक गैया दोहन करने के लिए समय लगे। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य लगता है, ये दोनों ऐसे महापुरुष है, लेकिन ये दोनों एकत्रित मिलन कैसे हुए हैं, हैं? और आप कृपा करेंगे हमें सब बात बताने के लिए, आप कोशिश करो। जब उन्होंने ये प्रश्न की, ये प्रश्न सुन करके सुतो गोस्वामी बड़े खुश हो गए, खुश होकर सुतो गोस्वामी कहते द्वापरे ये समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाए व्यास पराशर उद्योगी तासभ्या मुकलया हरि। कहते श्री द्वापर युग अंतिम में श्री व्यास देव जी ने देखा ये कलयुग आ रहे हैं। कहते व्यास कौन, बोले व्यास नारायण स्वयं भगवान की ये सत्या भी सब बता रहे, देखा ये घोर कलयुग आने वाले, ये कलयुग में धीरे धीरे सबका बुद्धि धीरे धीरे ह्रास होते जाएगी, स्मरण शक्ति नष्ट होते जाएगी। पहले है ना, पहले सबके सब विद्यालय में पढ़ने जाते थे, पुस्तक पुस्तक इसके पास नहीं होता था। अभी बच्चे लोग ना दो तीन चार पांच साल का बच्चा पीठ पर कितने सारे, जितना भोजन नहीं उतना भोजन का पुस्तक लेकर जाता है बच्चा। पहले सब कुछ नहीं होता था, वो खाली हाथ में जाते थे, एक स्लेट और पेंसिल होता होगा। हम तो पांच साल तक पांच क्लास तक उसमें ही लिखे है, उसमें ही लिखे हम, उसमें कुछ नहीं होता था। गुरुकुल में जाते थे, बड़ी सुंदर बगीचा होती थी, पेड़ की छाया होता था, उसको नीचे बैठा करके ये उनको रटाते 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 सारे वेद पुराण सबके सब रट लेते थे। ये पुस्तक पुस्तक की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, ये सबके सब धारण कर लेते थे। लेकिन उन्होंने देखा कलयुग आ रहे हैं, क्योंकि कलयुग में हाइब्रिड देकर बनेगा, कोई शुद्ध प्योर चीज मिलेगी नहीं, लोगों का स्मरण शक्ति आएगा कहां से, हैं? काहे किसे आएगा, कोई चीज तो प्योर है ही नहीं, सब मिलावट है, हैं? इसलिए उन्होंने सब चीज को देख करके एक वेद को चार वेद रूप में, फिर उन्होंने समस्त पुराण को रचना की, उपनिषद को, ब्रह्म सूत्र को, फिर पंचम वेद, उन्होंने महाभारत लिखे। क्यों? स्त्री सूत्रों का अधिकार नहीं, लेकिन लिख करके भी शांति नहीं मिली। इतने में श्री नारद जी बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद 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 जय जय राधा हरि गोवि
नारद इस प्रकट होते हैं, नारद तो गुरु है, कहते गुकार अंधकार त्वात रुकार तस्य निरोधक, जो कि समस्त अज्ञान को दूर करके दिव्य ज्ञान को जो प्रदान करे। इतने में नारद जी आकर बोले व्यास लगता है तो दुखी हो, बोले गुरु जी आप सही बताए, हम जीव कल्याण के लिए इतने ग्रंथ बनाए लेकिन जब मुझे ही शांति नहीं मिलता दूसरों को शांति कैसे मिलेगी। तब श्री नारद जी बोले देखो इसलिए शांति नहीं मिल रही है, बोले जथा धर्म दयश्चार्था मुनि बर्ज्या अनुकीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनुवर्णित। देखो ये नारद ये बात कह रहे, ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात कह रहे। बोले तुमने जितने ग्रंथ बनाया ना, अगर ये सब ग्रंथों को कोई पढ़े तो पागल बन जाएगा वो। अगर जो शिव पुराण पढ़ेगा, बोले शंकर जी के बगैर दुनिया में कोई बड़े है ही नहीं। अगर देवी पुराण पढ़ेगा तो मैया देवी ही सब कुछ, जिसमें गणेश जी के महिमा पढ़ेगा तो भैया सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा होती है। जो हनुमान की कथा सुनेगा भैया दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, लंका चले ना हनुमान के बिना, रावण पर ना प्रभु राम के बिना, लंका चले ना हनुमान के बिना, सिया के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान लाल की। भगवान भी जब राम हनुमान के बगैर नहीं चलते तो हनुमान से बड़ा कौन हो सकता है। बोले बाद में ना सब लड़ते पड़ेंगे, सब ये तुम्हारे ग्रंथ को पड़ेगा आपस में कि वो लड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बोले देखो इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही है, तुमने जीव जो है ना वो ईश्वर अंश है, हम भगवान कृष्ण के राम के अंश है, इसलिए हमारी जो कर्तव्य है ईश्वर की उपासना करना। जैसे देखो कोई ऊपर में कोई पत्थर को फेंको वो किधर जाएगा, नीचे आएगा, क्यों, उसका मूल ये पृथ्वी है। जैसे किसी पानी को डालो किधर निकल जाएगा, नीचे जाएगा, नाली में, नदी में, फिर लास्ट में समुद्र में, क्योंकि समुद्र से ही बाष्पीभूत होकर के आए। कोई आग जलाओ उसका लो किधर जाएगी, ऊपर, क्यों ऊपर क्यों जाएगी, उसका मूल सूरज है। इसलिए हम भी जीवन में क्या ढूंढ रहे हो, दुख ना सुख, कोई जगत में दुख ढूंढते हो ना सुख ढूंढते हो, सुख, लेकिन सुख क्यों ढूंढ रहे हो, दुख क्यों नहीं ढूंढ रहे हो, कारण क्या है, जो आनंद सर्व सुख सर्व रस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है वही आनंद स्वरूप है, हम उनके बच्चे हैं, बच्चे होने का नाते हमारी अंदर में भी उनका सारे गुण हमारे अंदर में, इसलिए बोलना सच्चिदानंद रूपाय भगवान सत्य स्वरूप है। इसलिए भगवान हम भी सत्य चाहते हैं, बताओ कौन मरना चाहता है, कोरोना आया था ना सबको बंद कर दिया, क्यों, हम कोई मरना नहीं चाहते, क्यों, भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप ज्ञान स्वरूप, हम भी ज्ञान आहरण करने के लिए चाहते भगवान आनंद, हम भी आनंद ढूंढते हैं। फिर प्रश्न होता है फिर आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, इसलिए बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वहां पर तीन शब्द आया अतः ब्रह्म जिज्ञासा, बोले जहां तुम्हें आनंद ढूंढनी चाहिए तुम वहां पर आनंद नहीं ढूंढ कर गलत जगह पर ढूंढ रहे हो। आनंद ठाकुर के चरण में, अशोक अभय अमृत ठाकुर के चरण में, लेकिन हम आनंद कहाँ ढूंढते हैं, शायद पैसा कमा कर सुखी हो जाएंगे, शायद शादी करके सुखी हो जाएंगे, शायद बच्चे जन्म देकर सुखी हो जाएंगे, शायद संसार दुनिया करके सुखी हो जाएंगे, ढूंढ रहे कहाँ आनंद, दुनिया में ढूंढ रहे हो, संसार में जो स्वयं दुखी और एक दिन नष्ट होने वाले संसार तुमको सुख देगा कहां से, एक दिन तो स्वयं जिसको प्रेम कर रहे हो स्वयं दुखी में पड़े हुए, और जो दुखी है देखना उसमें दुख में तुम ही दुखी बनोगे, इसलिए शांति सुख नहीं मिल रही है, वो शांति ठाकुर की चरण में ही है, तभी तो हनुमान जी दिन भर प्रभु का भक्ति प्रभु का नाम ले रहे हैं ना, तभी तो हनुमान जी आनंद आनंद है। इसलिए आनंद चाहो तो क्या करना, केवल ठाकुर की शरण में मिल सकता, दुनिया के सारे ऐश्वर्य नहीं दे सकता, दुनिया के सारे वैभव तुम्हें शांति नहीं देता, शांति ठाकुर की चरण में ही मिलेगा और कहीं मिलेगी नहीं। इसलिए बोले देखो इसलिए तुमको शांति नहीं मिली है, तुमने जो दूसरे दूसरे पुराण में जो देवा देवी की बात तुमने बताई ना भैया, ये देवा देवी पूजा करने से तुम्हें कुछ मिलने वाले नहीं,
इसलिए देखना जिंदगी भर जिसको पूजा कर लो, जिसको जो कुछ करना कर लो, जब अंतिम समय आएगा जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलते बोलते ले जाते, वही बोलते ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, लास्ट वक्त सब झूठा है, सब के सब कृष्ण राम ही सत्य और जगत में झूठा ही सब गए है। इसलिए यहाँ पर कहते देखो नारद जी, व्यास देव इसलिए तुमको शांति नहीं मिली, जथा धर्म दयाचारथा मुनि बरजानु कीर्तित, तुमने दूसरे दूसरे धर्मों को जितने बढ़ा चढ़ा करके बताए ना, न तथा वासुदेवस्य, तुम भगवान कृष्ण की कथा तुमने, जगन्नाथ जी कथा तुमने, राम की कथा तुमने नहीं सुनाई, इसलिए तुमको शांति नहीं मिली है। अगर जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो क्या करो, श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखो जिसमें केवल भगवान की कथा और उनकी भक्तों की कथा, और इधर उधर कोई बात मत लिखो। इसलिए भागवत पढ़ करके देखो, इधर उधर कोई देवा देवी की बात नहीं है, भगवान की जो शुद्ध भक्त है, भगवान की जो निर्मल चरित्र है, केवल भागवत में यही बात है, तभी तुमको जीवन में शांति और तुमको सुख मिलेगी। इसलिए नारद जी अपना कथा सुनाए, जीवन में इतने बड़े संत कैसे मिला, संत बना केवल संतों की कृपा से ही मैंने संत बनाए, संतों की सेवा से ही मैंने आज इतने बड़े संत बन पाया। इसलिए नारद जी जब चले गए, श्री व्यास देव जी बोले भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहिता मले अपश्यम पुरुषम पूर्णं मायांच तद अपाश्रयम्। जब श्री नारद जी यहाँ पर भी अच्छी बात कहते हैं, उन्हें ज्ञान योग का द्वारा नहीं, कर्म योग का द्वारा नहीं, ध्यान को द्वारा नहीं, बोले भक्ति जोगे न, जब भगवान की भक्ति जो को द्वारा उन्होंने समाधिस्थ हुए, बोले अपश्यम पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष दर्शन किया, पूर्ण पुरुष कौन है, बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र। क्या केवल कृष्ण को दर्शन किया, बोले नहीं, कृष्ण अकेले पूर्ण नहीं है, जब तब तक श्री राधा रानी उनके बाह पार्श्व में नहीं हो तभी वो पूर्ण नहीं, जब तक सखियां साथ में नहीं हो। तो उन्होंने जैसे उदाहरण दिया, कोई बोला हमने चंद्रमा देखा, क्या बोला चंद्रमा देखते हो ना, उसको साथ में आकाश भी दिखता है, मंडल भी, तारा भी दिखती है, इसलिए कहते पूर्ण कृष्ण को देखा, मतलब क्या है, संपूर्ण गोलोक वृंदावन सखा सखियों के साथ में पूरा के पूरा उन्होंने वृंदावन को दर्शन किया। और क्या देखा, कैसे ये माया ठाकुर को पीछे खड़ी हुई है, बोले पीछे क्यों खड़ी हुई, बोले जो जीव भगवान को भूल करके, भगवान जीव को जो सृष्टि हुई प्रश्न करते हैं, मथुरा अब लोग तो कोई मथुरा नहीं गए, इसलिए गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर छवि वहां पर बनाया, क्या सुंदर, कभी मथुरा जाओ तो दर्शन करना, होगा तो छवि हम भी कभी यहाँ बना देंगे, अब फिर मथुरा जाओगे ना देखोगे, वहां पर एक तरफ की माया की जगत, एक तरफ में भगवान की जगत है, बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, वो दिखा रहे जो माया की जगत है, घोर घना घोर जंगल, भूत पिशाच और हिंस्र जंतु, और जिधर एक संत खड़े हुए प्रकाश, और सीधा गोलोक वृंदावन जा रहा है, इधर एक संत खड़े हुए, इधर एक माया खड़ी हुई, दोनों को व्यक्ति को भुला रहे हैं। संत कहते देख बेटा, अगर इधर आओगे ना सीधा भजन करते करते कहां गोलोक वृंदावन जाओगे, इधर माया दिखा रही है, अगर तुम इधर आओगे तो अंधकार घोर जंगल भूत पिशाच से भरे पड़े हुए, कभी इधर देखता है जी, कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, सोचने लग जाते कहां जाऊं, जाऊं तो जाऊं कहां, लेकिन लास्ट में ना वो जीव प्राय जीव वो माया की तरफ में जाते हैं, भगवान की तरफ में संत जो बुलाता है उसको तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, इने गिने व्यक्ति जाते हैं। जब कोई व्यक्ति माया में आई, इतने में माया ने उसको दो पोशाक पहना दिया, अच्छे तरह समझो, एक है आवरण आत्मिक और एक विक्षेप आत्मिक, बोले आवरण आत्मिक मतलब ये आत्मा के ऊपर में एक ऐसे कपड़ा पहना दिया जो मैं मेरा मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये एक उसने ऊपर ढक दिया, उसको ऊपर में स्थूल शरीर मतलब ये जो शरीर को देख रहे हो उसको कहते विक्षेप आत्मिक, उन्होंने ये एक शरीर को दे करके इतने जोर से ये जीव को फेंका माया जगत में आ गए। अगर किसको पूछो तेरा नाम क्या, बोले ये है, बोले घर, बोले ये है, बोले बीबी, बोले ये है, बच्चे, ये सब के सब बच्चे है, क्या तुम्हारी परिचय है, बताओ तुम्हारी क्या परिचय है, क्या ये हमारी परिचय नहीं, ये माया की परिचय, माया मतलब क्या है, जो नहीं उसको है बोलना, अगर ये होता तो फिर छोड़ कर कहीं गए हमारे पिताजी के पिताजी सब गए कहां, फिर ये जो झूठा परिचय दे करके संसार में हम
बंधे हुए और जीव संसार में दुख कष्ट को संसार में भोग कर रहे हैं। और जो व्यक्ति संतों की बात सुन करके भगवान की भक्ति के तरफ में गए, वो सब के सब सीधा श्री ठाकुर जी के चरण में गए और भगवान की दिव्य धाम में आनंद आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए व्यास देव जी ने दिव्य दृष्टि से उन्होंने ये सब चीज को उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करते हुए बोले जितना देखना संसार में उन्हें देखो और एक चीज देखा, ध्यान देकर देखो संसार में जितने ये माया जीव को पिटाई कर रहा है ना, वो उतना अनासक्त नहीं होता है, ज्यादा चिपकते हुए जा रहा है। देखना संसार में सबका गाली हमें सुनना पड़ता है, संसार का सारे काम भी तुम करो और संसार का सबका गाली भी तुम सुनो, सबके सब संसार में हमें गाली देते हैं, बताओ कौन गाली नहीं देता है? आप बताओ संसार में अक्सर करके हम जो काम करते हैं, अब देख लेना हम कैसे बीवी को खुश करें, पति को खुश करें, बच्चों को खुश करें, सास ससुर को खुश कर देना, ज्यादा काम करते हैं उनके लिए, अपना लिए तो देखना सबको खिला पिला करके अगर दो रोटी बच गई तो कभी नमक देकर खा लेते हैं, खाए कि नहीं? लेकिन अब से प्रश्न करता हूं, अभी तुम्हारे पर कोई खुश है तुम्हारे पर संसार में? देखना तुम्हारे पीछे चुगली के सिवाय तुम्हारी कुछ भी नहीं होता होगा, चुगली के सिवाय कुछ भी तुम्हारे पीछे नहीं होती होगी, लेकिन उसको पीछे दिन भर हम लगे हुए, लेकिन ठाकुर के लिए समय हमारी ठाकुर के लिए नहीं निकलती है। इसलिए उन्होंने ये चीज को दर्शन किया, उन्होंने देखा भैया जब तक इसको माया पिटाई करेगी ना इनका कल्याण होने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने बोले जब तक ये जीव प्रभु की भजन में नहीं लग जाए, प्रभु की भक्ति में जब तक ये जीव नहीं लग जाए ना, जीव की कल्याण नहीं। इसलिए उन्होंने क्या लिखे, बोले ये श्रीमद भागवत ग्रंथ को लिखे, बोले जो भागवत ग्रंथ को जीव सुने और सुन करके प्रभु के प्रति उनका प्रेम हो, ठाकुर के चरण में रुचि हो, बस भजन करते करते कहा ठाकुर जी के चरण में प्राप्त करे। इसलिए उन्होंने फिर उन्होंने भागवत ग्रंथ लिखे। बोले कलयुग में फिर भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या बताए, बोले कलयुग के बलना माधार, कलयुग के बलना माधार, कलयुग के कलयुग के बलना बोले कलयुग में हमको ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, भगवान बोले हाथ में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम, बस बड़ा पार है, इससे सरल उपाय जगत में कुछ भी नहीं। जानते हैं कलयुग का जीव इतना परिश्रम कर ही नहीं सकता, कलयुग में परमायु कम भी है, हैं और समर्थ ही नहीं है, और भगवान ने क्या किया नाम में सारे शक्ति भी प्रदान कर दिया। ठाकुर ये भी नहीं बताए केवल पवित्र अवस्था में मेरे नाम कर सकते हो, अपवित्र अवस्था में नहीं कर सकते, ये भी नहीं बोले। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कहते भगवान के जो नाम है बोले जिहा च बस वर्ते न सुलभम भगवत नामम। हाँ ध्यान देकर इतनी सी बात सुनो, भगवान ने किया कभी तुमको बताए देखो अगर मेरे नाम करोगे तो तुमको पैसा देना पड़ेगा? ठाकुर बोले कभी बिना पैसा के? पर ये जिहा को जैसे बोलो ना तुम भगवान का नाम जप कर देना, ये जिहा प्रभु का नाम जप करना शुरू कर देगा। अगर ये जिहा को बोले कि दूसरा चुगली करो, देख पा चुगली करना शुरू कर देगा, और दो चार माताएं बैठ जाए ना बस बढ़िया काम खत्म। हाँ उसकी बहू ने ऐसे की, उसको छोरी ऐसे कर रही थी, उसको छोरा ऐसे कर रहा था, उसको लेकर भाग गया, उसको सास ससुर की सास बहू की लड़ाई होती है। देखना समय कैसे बीतता है, लेकिन इनको बोलो थोड़ी सी माला लेकर हरिनाम करो, बोले समय कहाँ, समय कहाँ, टीवी कोई सीरियल आ गया ना उल्टा पुलटा तीन तीन घंटा बैठ कर देख लेते। इसलिए भगवान कहते हैं मैं कलयुग में इतने मैंने सरल कर दिया, लेकिन ये कलयुग का जीव इतनी बदमाशी है, सारे काम के लिए तो समय निकाल देंगे, लेकिन जब हरि का नाम बोलोगे ना बोले समय कहाँ हमारे पास में,
भगवान के नाम लेने के लिए समय कहाँ हमारे पास में, इसलिए भगवान बड़े दुखी होकर कह रहे हैं, है ठाकुर जी दुखी होकर कह रहे हैं, ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एतादृशी तबकी बा भगवान नामापी दुर्दैव विदृश ज्ञान नानुराग। भगवान खुद कह रहे मैंने इतना बोल दिया, इतना कर दिया, तभी कलयुग में जी भगवान के नाम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी कल्याण कैसे होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और एक बार जोर कर आप बोलो, मैं सुनूंगा जितना ताकत लगा कर सकते हो। और एक बार तीन बार बोलने से श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैंने तुमको ये नाम दिया है, ये हरि नाम करो। ये भगवान खुद कह रहे, बोले यह है ते सर्वसिद्धि है विश्वास, मतलब है अगर ये हरि नाम को तुम सही सही करोगे ना, जो मांगोगे हरि नाम से वही मिलेगा। इसलिए ये नाम को चिंतामणि बताया, चिंतामणि मतलब जो चिंता करो वही मिलेगा हरि नाम से, जो मांगोगे। जैसे हनुमान जी से हम मांगते हैं ना, स्त्री पुत्र परिवार दो, क्या हनुमान कोई फैक्ट्री लगा कर रखे जो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे? हाँ, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। क्या है? कहते रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। इसलिए बोले सुमिरी पवन सुत पावन नामु आपन बस करे राख रामु। इसलिए हनुमान जी दुनिया को सब कुछ देते हैं, सुमिरी पवन सुत पावन नामु, केवल नाम की बल पर देते हैं। जैसे भोले बाबा, अगर भोले बाबा को जो कुछ मांगो भोले बाबा सब दे देते, कर देते कि नहीं? क्या शंकर जी कोई फैक्ट्री बनाकर बैठे? फैक्ट्री बनाए? गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जय जपत महेशा। शंकर जी क्या करते हैं? पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में ब्रह्म का नाम जप करते हैं। माता देवी देखना, आठ हाथ में एक हाथ में माला है, एक हाथ में माला पार्वती के। ब्रह्मा की चार हाथ देखना, एक हाथ में माला है। सरस्वती की चार हाथ देखना, एक हाथ में माला है। गणेश जी प्रभु का नाम ही जप करते हैं। गणेश जी कहते महिमा जासु जान गणराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इसलिए गणेश जी की पहला पूजा होती है केवल नाम की प्रभाव से और कुछ नहीं। सारा दुनिया केवल नाम, प्रभु के नाम पर चलता है और किसी चीज में दुनिया चल नहीं रही है। इसलिए क्या करने चाहिए? हरि का नाम ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल्ली वाले नहीं है, दिल वाला, दिल वाला मतलब जिसका दिल है। और जिसका दिल नहीं हो तो भजन ही नहीं करेगा, तो दुनिया की इधर उधर की दिन भर बैठ करके गप्पे मारते रहेगा। लेकिन जिसका दिल है, जिसका दिल मजबूत है, वही भजन कर सकता है। कमजोर वाले नहीं करेंगे। कहते जिसका दिल मजबूत वही कर सकता है। कौन ये तिलक कंठी में गला में कंठी लग धारण कौन कर सकता है? जिसका दिल मजबूत है,
इसलिए मीरा ने जो भजन की ना सारा दुनिया उसको विरोध हो गई, उसकी ननंद देवर जेठ सास ससुर सारा दुनिया उसको विरोध हो गई, लेकिन मीरा ने भजन छोड़ी। दुनिया में किसकी पूजा हो रही है? मीरा की पूजा हो रही है, मीरा की हो रही ना, लेकिन उनको सास ससुर ननंद बुराई हो रही है, सारा दुनिया उसके बदनामी करते हैं। मीरा जैसे भक्ति करने वाले की यही सब स्त्री को भी उन्होंने अत्याचार किए हैं, मारने के लिए उन्होंने जहर भेजा, राणा ने भेजा जहर का प्याला और अमृत करके पी गई हैं, इसलिए उनको मारने के लिए सांप भी भेजी, लेकिन उसकी भक्ति की प्रभाव सालग्राम बन गया, सालग्राम बन गया, इसलिए ऐसे उसकी भक्ति थी। इसलिए भैया क्या करो, भगवान की नाम को जप करो, ठाकुर जी की हरि नाम करो, और साथ महाप्रभु कहते हैं इहा जप किया सबे करिया निर्बंध, मैंने जो हरि नाम दिया है उसका नियम करके करो हैं। महाप्रभु बोले ना, जब भक्तों ने निमंत्रण दिया प्रभु हमारे घर में भोजन, ये बच्चे को ना मंदिर को पीछे ले जाओ, यहाँ पर गर्मी हो रहा है इसलिए बच्चा रो रहा है, इसलिए महाप्रभु को जब भक्तों ने निमंत्रण दिया हमारे घर में भोजन है, महाप्रभु क्या बोले, बोले सबके घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ, बोले किसको घर में करते हो, बोले जो लखपति बनेगा, जो लखपति, और उसी समय लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको घर में हो, बोले प्रभु हमारे घर में 1,000 रुपया भी नहीं, 1,000 की बात छोड़ो हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, आप कहते हैं जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर उसको घर में भोजन करेंगे, क्या फिर हमारे घर में भोजन नहीं करोगे? भगवान क्या बोले, जानते हो असली लखपति कौन है, जो 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के रे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, कृष्ण नाम के धन दौलत तो क्या भगवान के नाम है, हैं? इसलिए हरि नाम को महाप्रभु कहते नियम करके करो, घर का काम भी नियम, संसार का काम सब नियम से करते हैं, और भगवान की भजन भी तो नियम होनी चाहिए ना, इसलिए क्या करनी चाहिए, इसलिए भक्त अगर 1,00,000 माला कर सकते तो बहुत अच्छी बात, इससे तो बढ़िया कुछ अगर नहीं हो सके। एक संत कहते थे अगर एक दिन में तू लखपति नहीं बन सकते हो भैया, 4 दिन में तो लखपति बन ही सकते हो, मतलब क्या है, कम से कम 16 माला से नीचे नहीं उतरनी चाहिए, 16 माला कम से कम। हमारे जो बड़े गुरु जी कहते थे, देखो भगवान ने 24 घंटा दिया, दिन रात 24 घंटा, 8 घंटा काम करो, 8 घंटा सो और 8 घंटा भजन करो, 8 घंटा भजन करो, सोने के लिए 8 घंटा बहुत, काम के लिए भी 8 घंटा बहुत, 8 घंटा भजन करो हैं। अगर नहीं हो सकता है थोड़ी समय तो दो ठाकुर जी को, ठाकुर जी को थोड़ी समय तो दो भजन करने के लिए, ठीक है ना, इसलिए नियम से करनी चाहिए। महाप्रभु कहते हैं आपको जो नए लोग देख लो लखपति कैसे बनोगे, हमारे पुराना लोग तो जानते हैं, नए लोग देख लो लखपति कैसे बनोगे, जैसे ऐसे माला है, जैसे आप लोग मेरे साथ में बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलते ना एक मोती सरकेगा, फिर दो बार बोल करके बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, एक बार बोल पर 16 बार हो गया है, 16 बार हो गया, उसमें 108 मोती, करते करते जब यह खत्म हो जाए इसको पार नहीं करके फिर घुमा देना दूसरे तरफ में, अगर इसे 16 माला कर लिया 25,000 हो गया,
अगर 64 माला कर लिया तो 100,000 हो गया। भगवान कहते 100,000 तुमने माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 100,000 रुपया तुम्हारी फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले ब्याज कितने मिलेगी? बोले दिन दिन बढ़ता सवायो पायो जी में राम रतन धन पायो। ये धन आज अगर 100,000 कल 125,000 और 4 दिन में 2,00,000 बस ये धन जब ऊपर जाएगा ना, जैसे इस जगत में देखना, अगर वृंदावन जा रहे हो प्रिपरेशन होना पड़ता, कहीं भी जाते हो घूमने के लिए पहले प्रिपरेशन होते है कि नहीं प्रिपरेशन। लेकिन एक दिन सबको ऐसे के यात्रा करनी पड़ेगी, कब वो यात्रा करना पड़ जाए कोई ठीक नहीं, कभी भी करना पड़ जाए, और एक दिन सबको यात्रा करना पड़ेगा। ऐसे कोई व्यक्ति है नहीं जो बोल ही नहीं सकता वो अंतरिम यात्रा हमारी नहीं होगी। इसलिए कबीर कहते हैं भैया उसी समय में साथ में क्या जाएगा, कबीर कहते हैं मरने में सब जगत डरे मेरा मन आनंद। दुनिया में मरने के लिए सब डरते हैं, लेकिन कबीर कहते मैं तो खुश हो रहा हूँ। किसने कहा भैया तू खुश क्यों हो रहा है, दुनिया तो डर रही है, लेकिन कबीर कहते हैं इसलिए सबके सब डर रहे हैं, प्रभु का भजन नहीं किया ना, हरिनाम नहीं किया, पता है पता नहीं कौन सा जीवन में जाना पड़ेगा। बोले मैं क्यों खुश हो रहा हूँ, बोले जिंदगी भर प्रभु का भजन किया, प्रभु का नाम किया, मेरे को पता है मेरे लिए वीआईपी व्यवस्था ऊपर मिल गई है, वीआईपी व्यवस्था मेरे लिए होगी, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। इसलिए अगर कोई चाहता है हमारी बढ़िया अंतिम यात्रा हो और माला ही माल, यहाँ पर तो रहने के लिए बड़े सुंदर मकान दुकान बनाए, लेकिन अगले जीवन में कहाँ जाएंगे, वहाँ का परिवेश कैसे होगा, तभी बढ़िया होगा। कहते जिसने जितने प्रभु का भजन किया है ना, बस उसका जीवन इतने बढ़िया। ध्रुव महाराज सौ शरीर में वैकुंठ विजय किया, काल स्वयं आ गए, काल के सर के ऊपर प्यार रख करके सौ शरीर में वैकुंठ विजय किया है। ये धन को जो लुटेगा वही माला माल बनेगा, अगर इसको कोई लुटा नहीं, केवल दुनिया के धन को लुटते रहे आखिरी वो कांगाल हुए। इसलिए भैया कांगाल नहीं बनो, धनवान बनो, ठीक है। हाँ देखो कल है हमारे प्रभु जी नाम के ऊपर में थोड़ी सी बोल खड़े कर बोल दो। देखो कल है कथा की 14 दिन है, कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री नंद के लाला की। कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं, इसलिए जब कृष्ण माँ के गर्भ में आ गए, जितने ब्रज की गोपियां वो 6-6 महीना पहले 84 गज के लहंगा चुंदरी और अलंकार को बना करके रखे, और जितने पुरुष लोग थे बगल बंदी धोती और पगड़ी बना करके रखे, बोले नंद के लाला जन्म होगा तो हम सबके सब इसको पहन करके बधाई देने के लिए हम सबके सब जाएंगे। इसलिए कल भी आप लोग 84 गज के लहंगा चुंदरी जो पेटरा में बंद करके रखे होंगे, हैं शादी का समय को सब निकालना, वो सब खराब हो रहा है, क्या करोगे, कहाँ दिखाओगे। कल ठाकुर जी जन्म ले रहे हैं, कल ठाकुर जी जन्म ले रहे हैं, सबके सब पहन करके सबके सब आना, ठीक है। और भगवान जन्म ले रहे हैं ना, इसलिए बढ़िया सज करके लाना, और जो भाई लोग कोशिश करना बढ़िया बढ़िया धोती बगलबंदी टोपी और पहन करके आने के लिए। और ये जो कथा हो रही है, देखो ये कथा अब सबका कथा है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, आप सब लोग मिलकर कथा कर रहे हो। इसलिए घर से आप लोगों ने कुछ टफी कुछ खिलौना है, जो लुटाने चीज होता है ना बिस्कुट, जो ला सकते हो लाना। कल हम बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। और दूसरी चीज है देखो, रोज रोज ये प्रसाद की व्यवस्था हो रही है, फिर जगन्नाथ जी रथ यात्रा भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये कोरोना धीरे धीरे कहीं बढ़ रहा है, लेकिन सरकार आदेश दिया है, हम कोशिश करेंगे जगन्नाथ जी के 12 तारीख को बड़े धूमधाम से, लगता है 2 साल के बाद में रथ यात्रा निकलेगी, बड़े धूमधाम से हम कोशिश करेंगे रथ यात्रा करने के लिए। हाँ इसमें भी कुछ पैसा की जरूरत होता है, इसलिए वहां पर हमारे भैया बैठे हुए हैं, क्या रसीद लेकर के। शास्त्र कहता है भागवत कथा में एक अन्न का दाना कोई दे देना, भगवान की कथा है ना, एक अन्न की दाना दे दे, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी, शास्त्र कहता है। गिरिराज गोवर्धन स्वयं कहते, इसलिए आप लोग जो हो सके, आप लोग कोई सामान देना चाहते हो सामान भी दे सकते हो, कुछ पैसा भी देना चाहते हो, प्रभु जी वहां पर बैठे हुए है, आप लोग जथा योग्य उसमें मदद करना, और हम कोशिश करेंगे जैसे अच्छे से अच्छे हो, ठीक है। और जो कथा में है ना कोशिश करना, अगर जल्दी जल्दी आते ना, हम तो सोच रहे थे 7 बजे हम विश्राम दे देंगे, लेकिन
सात बजे तो आधा घंटा ही कथा होता है। इसलिए आप लोग कोशिश करना, देखो देखो माताओं को सबसे बड़ी चिंता क्या है, घर में प्रसाद की, खाना कैसे है ना। लेकिन यहाँ पर तो प्रसाद बढ़िया बढ़िया रोज रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद हो रही है। इसलिए आज टॉप का है, क्या क्या बने आज प्रभु जी, क्या बनाए प्रेमचंद प्रभु जी आज, क्या क्या बनाए जोर से बोलो। राजमा है और मटर पनीर भी, बैगन पकौड़ा, ताली बजा जोर से। देखो इधर सुनो, इसलिए देखो मैं कल बताया था ना, ध्यान देकर सुनो, मैं कल बताया था ना, श्रोता हनुमान जैसे होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए और जोर से बोलो, हनुमान जी कथा से सबसे पहले आते हैं और कथा को बाद में जाते हैं हनुमान जी। इसलिए कथा सुननी चाहिए हनुमान जैसे, ठीक है ना। कोशिश करो हनुमान जैसी कथा सुनने के लिए। हम तो सोच रहे थे एकदम 4:30 बजे शुरू करें, लेकिन 6 बजे तक भी कोई आने तैयार नहीं होते हैं। जानते जाएगी वहाँ प्रसाद पाकर जल्दी जाएंगे नहीं, ठीक है। कोशिश करना, हम चाहते ज्यादा से ज्यादा कथा हो भगवान की, ठीक है। अभी इसलिए प्रभु जी अभी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे नाम गोबर में, उसको बाद में ठाकुर की आरती, फिर प्रसाद लेकर जाना। आत्मा बोल बोलो बोलो कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। एक साथ बोलिए सब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम अर्पित करता हूँ। माइक का तेज कर दो। हरि बोल। उपस्थित वैष्णव भी मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। देखिए हम लोग पिछले 3 दिनों से श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, आज तीसरा दिन हमारा। और हमारे अभी गुरुदेव जब बता रहे थे कि नाम की महिमा, तो वास्तव में नाम की महिमा है क्या, कि नाम करने से क्या होगा। सभी लोग पूछते हैं, ठीक है भैया नाम करने से होगा क्या। सब लोग बता रहे हैं कि कलयुग में गुरुदेव ने बताया कि हरि नाम ही संकीर्तन है। हमारे सारे शास्त्र एक ही बात बता रहे हैं, हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते नास्तर गति अन्यथा, है ना। सारे शास्त्रों में हमारा ये वर्णन बताया गया है कि हरि नाम करो। यहाँ तक कि गीता उठा के देख लो, उसमें भी भगवान क्या बोल रहे हैं, अंत काले चुमाम स्वर्ण मुक्त वा कलेवरम ये प्रियति से मदभावती नास्ति अत्र संशय, कि अंतिम समय में जो मेरा नाम लेगा मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संशय मत करना। भागवतम का सार क्या है, नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरिवरम। कि भैया सारे शास्त्र यही बात कह रहे हैं, हरि नाम, पर क्या है कि हरि नाम की ऐसी क्या महिमा है। लेकिन अभी जगत में हमें क्या चाहिए है, पैसा कौन बोल रहा है, तो वास्तव में सच बात है। अभी हमारा आकर्षण किस और है, धन की तरफ। देखो आप लोगों ने मुहावरा सुना होगा, अगर किसी से बोला यार थोड़ा पार्टी दे दे, थोड़ा पैसा दे दे, क्या बोलता है, अरे मुझे धन्ना सेठ समझाएगा, क्या बोलते धन्ना सेठ। अगर कोई बहुत अच्छा उत्सव कर रहा है, बहुत बड़ा भंडारा कर रहा है, पैसा लगा रहा है सब जगह, क्या बोलते हैं, अरे बड़ा धन्ना सेठ है। तो वास्तव में धन्ना सेठ है कौन है, ये मुहावरे हमने सुने तो है किताबों में, ये धन्ना सेठ है कौन। तो ये धन्ना सेठ बताया गया एक बहुत बड़े भगवान के भक्त, ये साधारण नहीं है। धन्ना सेठ भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उनका जन्म, ये वास्तविक घटना है, अभी आज से 2-3 पीढ़ी पहले की बात है। राजस्थान में डूमर कला में गांव में एक भक्त थे, छोटा बालक, क्या नाम था, धन्ना। जाट परिवार में जन्म हुआ, माता पिता किसान। अब उनके गल वस्त्र देके बड़ी अच्छी उसकी आरती उतारते थे, उसको भोग लगाते थे, बड़ी अच्छी पूजा करते थे पुष्पों से। तो धन्ना था ना छोटा बालक, वो बड़ा आकर्षित हुआ, उसके मन में इच्छा हुई कि मैं भी ऐसी पूजा करूंगा। अब 4-5 दिन रहने के बाद जब वो पंडित जी जाने लगे, त्रिलोचन पंडित, तो बच्चा रोने लग गया, धन्ना रोने लग गया कि नहीं मैं भी सेवा करूंगा, मुझे ठाकुर जी चाहिए। जिद पकड़ ली, कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा, रोना मचा दिया।
पूरा सर घर में उठा लिया। आप जानते हैं बच्चे, बच्चे जिद, हम घर वाले परेशान, पंडित जी भी परेशान, भैया क्या करें, कह रहे मुझे ठाकुर जी दो। अब पंडित जी ठाकुर जी दे कैसे दे, भैया बालक है छोटा क्या करेगा, सेवा तो कर नहीं सकता। तो पंडित जी ने कहा कि भैया मैं क्या करूं, तो लोगों ने बोला अरे बालक है इसको बहका दो कैसे जैसे तैसे। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। वो अगले दिन गए एक नदी में स्नान करने, तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों में जो नदियां होती है ना उसमें गोल गोल पत्थर होते हैं, गोल गोल पत्थर होते हैं। पंडित जी ने कहा ये बढ़िया है, उन्होंने एक पत्थर उठाया बढ़िया सा गोल सा काले से रंग का, और उसको बड़ा सजाया, उसको तिलक लगाया, चंदन इत्र डाल के, पुष्प लगा के, और उसको अच्छा सा गल वस्त्र दे के सिंहासन में बिठा दिया, और अपने जो असली शालिग्राम थे ठाकुर जी उनको चरणों में एक आसन बिठा के उसमें रख दिया। अब बालक आगे रोता हुआ कि नहीं मुझे ठाकुर जी दो, ठाकुर जी दो, ठाकुर जी दो। तो पंडित जी ने कहा देखो मेरे पास दो ठाकुर है, बताओ तुम्हें कौन से ठाकुर चाहिए। तो उन्होंने पूछा दोनों ठाकुर कौन से, उन्होंने बोला जो सिंहासन में बैठे वो तो है राजा ठाकुर, और जो नीचे बैठे वो सेवक ठाकुर। अरे मैं तो राजा ठाकुर लूंगा। अच्छा तो राजा ठाकुर चाहिए, पंडित जी भी ये चाहते थे कि चलो लो भाई तुम राजा ठाकुर ले लो। पंडित जी ने कहा बालक है पत्थर है जो मर्जी करेगा हमें क्या मतलब। पंडित जी ने अपना शालिग्राम उठाया और चल दिए, और बच्चे को बोला भैया इसके अच्छे से ध्यान रखना, ठाकुर जी हैं, भोगों को लगा के प्रसाद पाना। छोटा बालक था बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो ठाकुर जी मेरे पास आ गए। सुबह सुबह माता ने बोला जाओ गैया चराने जाओ, किसान का बेटा था, पिताजी के साथ खेत में गया, वहां से गैया चराने चला गया। माता ने चार रोटी थोड़ा गेहूं वो गुड़ मक्खन छाछ दे दी। जब वो गया उसको स्मरण आया कि भैया पंडित जी ने बोला था कि जब तक ठाकुर जी को भोग न लगाओ कुछ नहीं पाना। उन्होंने ठाकुर जी के सामने रखा और बोला कि ठाकुर जी पाओ, ठाकुर जी ने पाया नहीं, रोने लगा ठाकुर जी ने पाया नहीं। उसने कहा मैंने गलती कर दी, मुझे ना सेवक ठाकुर लेने चाहिए थे, तो राजा ठाकुर है ये कहाँ खाएंगे सूखी रोटी है। उन्होंने वो रोटी उठा के गाय को दे दी, बोला ठाकुर जी आप भी नहीं पा रहे तो मैं भी नहीं पा रहा। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, अब बालक भूखा मर रहा है। उस दिन उसने बोल दिया प्रभु अगर आपने नहीं पाया ना मैं मर जाऊंगा, मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी भूख से मर जाऊंगा, लेकिन जब तक आप नहीं पाओगे मैं नहीं पाऊंगा। अब ठाकुर जी बड़े रींझ गए, छोटा बालक है क्या करे क्या ना करे। भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, भगवान ने कहा ठीक है, कहा ठाकुर देख ठाकुर जी देखो मैं छोटा बच्चा हूं, मेरी माता जो बनाती मैं वही खिलाऊंगा, मुझे पता है आप राजा ठाकुर हो, छप्पन भोग में खिला नहीं सकता आपको, आप यही पालो। ठाकुर जी बड़े प्रेम से, ठाकुर जी ने कहा ठीक है लाओ। तो उन्होंने ठाकुर जी के सामने रख दी रोटियां गुड़ अचार जो भी था। ठाकुर जी ने एक रोटी खाई, दो रोटी खाई, जैसे तीसरी रोटी खा रहे थे बालक ने हाथ पकड़ लिया, है ये क्या बात हुई, भूखा आप ही थोड़े हो, मैं भी तो भूखा हूं, है मैं भी तो बालक हूं, दो आपने खा ली ना अपने हिस्से की, दो मेरी है छोड़ो। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है, उन्होंने कहा ठीक है लो दो तुम खाओ। अब ठाकुर जी ने दो रोटी खा ली। अब ठाकुर जी ने कहा भैया मैं तेरी रोटी तो पा रहा हूं, तुम मैं ऐसा तो पाऊंगा नहीं, तुम मैं चाहता हूं कि कुछ मैं काम करूं। तो बालक इंटरव्यू लेने आपको क्या आता है, क्या आता है आपको। तो ठाकुर जी ने कहा वैसे तो कुछ नहीं आता, एक काम आता मुझे गैया चरानी आती है। तो बालक ने हाँ ठीक है आप एक काम करना कल से मेरी गैया चराना। ठाकुर जी ने कहा हाँ गैया मैं बहुत अच्छे से चराता हूँ, मैंने गैया ही चराई है जीवन भर, अभी भी गैया चराऊंगा। ठीक है तो कल से तेरी गैया मैं चराऊंगा और तू अपना काम करियो। उसने कहा ठीक है। और बालक बड़ा अच्छा रोज आता अपना भोग लेके आता घर से और रोटी बना के दो ठाकुर जी को देता, खुद पाता और ठाकुर जी उसकी गैया चराते। काफी समय बीतने के बाद अब पंडित जी आ गए, त्रिलोचन पंडित जी, उन्होंने देखा बालक बड़ा प्रसन्न है, तिलक विलक लगा रखा है बड़ा, रोज सुबह नहा धो के। ठाकुर जी उन्होंने पूछा ठाकुर जी कहे, कह रहे ठाकुर जी तो गैया चरा रहे हैं। अरे हैं तुम्हारे ठाकुर कैसे हैं, मेरे ठाकुर जी कुछ नहीं करते, तुम्हारे ठाकुर गैया चरा रहे हैं। कह रहे बालक ये मजाक कर रहा होगा। तो पूछा कहाँ जा रहा है, कह रहे ठाकुर जी को रोटी खिलाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा अरे ठाकुर जी है कहाँ, अरे बाप को बोला था मैंने गैया चरा रहे हूँ। तो पंडित जी ने कहा भैया ऐसा क्या हो गया, चलो मैं देखता हूँ जाके। तो पंडित जी उसके साथ गए और पंडित जी को दिखा रहे, वो देखो ठाकुर जी बैठे हुए और गैया चरा रहे हैं। अब पंडित जी को तो दिखे ही ना, वो देखे इधर उधर। तो उन्होंने कहा मैं आपको ठाकुर जी के पास ले जाता हूँ। अब बोला ये रे ठाकुर, पंडित जी समझ गए वास्तव में क्या है, इसको ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसकी क्या थी, श्रद्धा थी। कहते हैं ना भगवान हर कण कण में भगवान विद्यमान है, उसकी श्रद्धा थी कि पत्थर नहीं ये कौन है, स्वयं ठाकुर जी है, राजा ठाकुर, स्वयं राजा ठाकुर है। और अगर आपके पास शालिग्राम है, आपके पास स्वयं घर में विग्रह भी है ना, आपकी श्रद्धा नहीं है तो वो क्या है, सिर्फ विग्रह है, वो एक मूर्ति रह गई।
तो उसकी इतनी श्रद्धा थी, जो गुरुदेव उनके बड़े प्रसन्न हुए। तो तभी वो आकाशवाणी भी, गुरुदेव ने बोला कि भैया मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन करा दो। तो धन्ना सिंह ने प्रार्थना की, धन्ना ने, कि गुरुदेव, वो ठाकुर जी, मेरे गुरुदेव आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भविष्यवाणी की आकाशवाणी भी कि तुम देखो ये धन्ना बड़ा सरल है, लेकिन आपने इसको भक्ति मार्ग में लगाया ना, इसलिए मैं आप पे भी कृपा करता हूँ। तो इसमें देखो ठाकुर जी आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी को भक्ति मार्ग में लाता है, ठीक है, और वो भक्ति करने लगता है तो उसका फल उसे ही प्राप्त होता है। गुरुदेव बोल रहे थे ना 10-10 लोगों को लेके आना, तो आप 10 को लेके आओगे तो आपका तो फल मिलेगा ही, 9 का जो 10 लोग उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो भक्ति में लगाने से दूसरों को भक्ति में लगाओगे तो आपका भी कल्याण है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा आप एक काम करो, धन्ना जो बालक है इसको अपने गोद में बिठा लो, तब आपको दर्शन होंगे। तो उन्होंने जो थे पंडित जी, त्रिलोचन पंडित जी, उन्होंने उनको धन्ना जी को अपनी गोद में बिठा दिया, और गोद में बिठाया तो ठाकुर जी के स्वयं दर्शन हुए और बड़े प्रसन्न हुए और रोने लगे कि वास्तव में असली, वास्तव में जो जान पाया है, कौन जान पाया है, ये बालक ही जान पाया है। अब बालक जो था बड़ा प्रसन्न हुआ। अब जब बालक था उसकी एक बड़ी अच्छी रुचि थी, वो क्या करता था, संतों को अपने घर में बुलाता था, संतों को बुला बुला के घर में उनका प्रसाद कराता था, बड़ा अच्छा अच्छा भोजन कराता था और हरि नाम करते थे, दिन भर अपना भगवान का नाम करते थे और संतों को भोजन प्राप्त प्रदान करते थे। अब उनके पिताजी ने बोला भैया ऐसा है, हमें किसान परिवार के, ऐसा नहीं चलेगा, तुम रोज एक दिन बुला लो, कोई नहीं संत एक दिन महीने में एक बार बुला लो, तुम आए दिन दो चार दिन में संत आ रहे, घर में सारा का सारा राशन तुम वहीं लुटा दे रहे हो, ऐसा कब तक चलेगा, है खुद कमाओ तभी पता चलेगा तुम्हें, अभी तो तुम कुछ करते नहीं, तुम मेरे तो आश्रित हो, है ना, मेरे मेरे मेरी वजह से तुम खा पी रहे हो और मेरा ही राशन तुम उनको उड़ा रहे हो। भैया ऐसे नहीं चलेगा, एक काम करो, कल से जाओ खुद जाके खेती करो और अनाज बो और खुद अपने उससे पैरों में खड़े होके जो तुम्हें मिलेगा उससे जो मर्जी करो। धन्ना ने कहा ठीक है पिताजी। तो पिताजी ने एक बैलगाड़ी में उसे बहुत सारा अनाज दे दिया कि जाओ इसको खेत में जाके बो दो बीज का। अब वो बीज का अनाज लेके जाने लगे, तभी उसने देखा बहुत सारे साधु लोग आ रहे हैं। और लेकिन पिताजी ने एक बात बोल दी, अगर आज के बाद कोई साधु महात्मा घर में आ गया ना तो देख लियो, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अब धन्ना जी ने कहा ठीक है, कुछ नहीं बोला। अब वो जाने लगे तो भी देखा वहां से आगे से साधु, बहुत सारे साधु महात्मा लोग आ रहे हैं महामंत्र करते हुए। अब साधु लोगों को देख के उसने जाके प्रणाम किया, साधु ने कहा, साधु लोगों ने बोला बड़ा अच्छा लड़का है, तो छोटा बालक है बड़ा अच्छा प्रणाम कर रहा है। तो पूछा साधु से, पूछा साधु लोगों से कहाँ जा रहे हो, कह रहे हमने सुना है डूमरकला गांव में एक छोटा बालक है जिसका नाम है धन्ना और उसका स्वयं भगवान के दर्शन हो गए, हम उसके दर्शन करने जा रहे हैं। तो बालक ने अपना सर नीचे करते हुए बोला मैं वही धन्ना हूँ, मैं वही हूँ। तो संत कह रहे अरे वाह मजा आ गया, चलो तुम्हारे यहीं दर्शन हो गए, चलो तुम्हारे घर चलते हैं और दो चार दिन रुकेंगे और उसे खाएंगे पियेंगे, फिर मन करेगा तो खाते पिए चले जाएंगे। अब वो धन्ना कह रहा भैया पिताजी ठहरे मेरे जाट देवता हैं, जाट देवता मुझे पहले तो इनको भगाएंगे मुझे और लठ मारेंगे हैं, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा आप संत लोग आप एक काम करो, गांव में मत जाओ, आपने वैसे तो ढंग से तो कपड़े पहने नहीं है, है ना, नंगे धड़ंगे आपने कुछ सही से तो पहने नहीं कपड़े वपड़े, और आपको वहां शर्म भी आएगी, वहां स्त्रियां होंगी, आप एक काम करो नदी के किनारे ही चलो, मैं नदी के किनारे आपकी व्यवस्था कर देता हूँ। तो संतों ने कहा ठीक है, भी बहुत अच्छी बात है, एकांत में आराम से भजन हो जाएगा, प्रसाद भी हो जाएगा। तो ठीक है चलो भैया नदी के किनारे भंडारा हो। अब क्या करें, अब बीज का अनाज था, वो गए मार्केट में गए सारा अनाज बेच दिया, उसका दूध दही घी मक्खन जो भी लेना था सामान, अनाज चावल बूरा लालू के, और बढ़िया से रसोई की, वहां पर हरिनाम संकीर्तन हुआ, कथा हुई, बड़ा सुंदर आनंद हुआ, सारे साधु संत प्रसन्न हो गए। अब सारे साधु संत प्रसन्न हो गए, उसको आशीर्वाद देके चले गए। अब धन्ना ने कहा भैया मैं क्या करूं, उसने क्या करा, जो जहां पे साधु संत लोग बैठे थे वहां की सारी रेत उठाई नदी के किनारे की और थैले में भरी और चल दिया खेत की तरफ। और सारे लोग बोल रहे अरे धन्ना आज तू आ गया, कह रहे हाँ हाँ, कह रहे आज तेरा पहला दिन है, अच्छे से खेती करियो, कह रहा हाँ हाँ मैं अच्छे से बीज बोऊंगा। और धन्ना ने क्या करा, सारी की सारी रेत उठाई और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत लंबा कई हजार बीघा उसका खेत था धन्ना का, सब पूरे खेत में सब लोग देख रहे हैं अरे वाह धन्ना क्या बढ़िया से अच्छे से खेती कर रहा है, सही बीज बो रहा है, तो लोगों को पता है तो रेत फेंक रहा है। अब पूरी खेतों में रेत फेंक के धन्ना जी घर आ गए, सुबह सुबह सारे लोग उसके घर पे आ गए गेट के बाहर, अरे धन्ना का है, धन्ना का है, तो सब कह रहे हैं अरे अंदर ही बैठा है धन्ना भक्त।
तो जब धन्ना भक्त अंदर बैठा हुआ है तो सब कह रहे वाह धन्ना तुमने क्या बढ़िया खेती की है। कह रही ऐसी खेती तो हमने पिछले 100 सालों में देखी नहीं, हमारे दादा परदादाओं ने ऐसी खेती नहीं देखी जो इतनी सुंदर खेती तुमने की है। धन्ना कह रहा है सारे मेरे मजाक उड़ा रहे, मैं कौन सा बीज बो के आया था, मैं तो रेत उड़ा के आया था वहां है, मैं तो रेत उड़ा के आया हुआ है, सब मजाक उड़ा रहे मेरा। पिताजी ने बोला भैया धन्ना तूने कौन सी खेती की भैया, मैं भी देखने चलूं। कह रहा पिताजी मत जाओ। नहीं नहीं बेटा मैं तो देखने जाऊंगा, सारे लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मैं भी चलूंगा देखने। अब पिताजी गए तो वास्तव में एक ही दिन में इतनी ही सुंदर सुंदर गेहूं की बालियां, सारा दालों की बालियां, बड़ी बड़ी सुंदर दाल भी लग गई। उनके पिताजी बोल पड़े भैया मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से मैं खेती कर रहा हूं, मैंने अपने पिताजी को देख लिया इतनी सुंदर ऐसी खेती, एक एक बीज ऐसा लग रहा है बिल्कुल नाप तोल तोल के रखा हुआ है। ये धन्ना ये बताओ हुआ कैसे। धन्ना ने कहा पिताजी, उन्होंने सारी बात बता दी कि पिताजी मैंने जो अनाज था ना बीज का अनाज, मैंने किस खेत में नहीं बोया, मैंने कहां बोया संतों के मुख में, मैंने वह सारा अनाज संतों के मुख में बोया और कहां उपजा खेत में। ठीक है, अनाज बोया मैंने संतों के मुख में और उपजा कहां खेत में। तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे धन्ना आज से बता कि माला कैसे करते हैं। अरे माला कैसे करते हैं मुझे ही बता, अब मुझे भी हरि नाम दे, मैं भी आज से क्या करूंगा भगवान का नाम करूंगा। सारे गांव वाले कह रहे धन्ना आज हम धन्य हो गए, आज से हम भी क्या करेंगे भगवान का नाम करेंगे, तो हमें भी नाम दो। तो बताया कि जो साधु संत थे उन्होंने धन्ना को ऐसे ऐसे बीज दिए थे, कथा में बहुत आगे बहुत लंबी है। तो जो धन्ना ने अपने खेत में बीज बोए ना, तो उसमें बताया कि जो वो फल थे, जो कहते ना एक पात्र होता है साधु के पास कमंडल, एक वो फल का बनता है, तो उसके अंदर इतना धन था, इतना धन निकला कि पूरे गांव में पूरे राजस्थान में कहीं अकाल पड़ा हुआ था, पूरा अकाल खत्म हो गया था, और इतना धन निकला कि वो धन कहां फेंकना पड़ा, एक नहर थी वहां उसमें नहर में फेंकना पड़ा इतना धन। बताया गया कि तभी उनको बोला जाता धन्ना सेठ, कि उनके बराबर कोई सेठ नहीं था। और क्यों नहीं था, सिर्फ किसके बल पे, भगवान के नाम के बल पे और साधु संतों की सेवा। तो देखो भगवान के नाम करने का फल कि आप कुछ भी कर लो लेकिन अगर भगवान का नाम का आश्रय ले लिया ना आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दूसरा संतों की सेवा, अभी गुरुदेव बता रहे थे भंडारा हो रहा है, ये कौन करवा रहा है, ठीक है आप भंडारा दे रहे हो, ये कितने सारे लोग वैष्णव लोग भक्त लोग पा रहे हैं, इसका बीज उपजेगा कहीं जरूर, देखना कहीं उपजेगा जरूर, ठीक है कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान का नाम और संतों की सेवा ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है। तो मेरे यही बोल के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जितना हो सके भगवान का नाम और साधु संतों की सेवा करने का प्रयास करें। वंशासन करिए। हरे कृष्ण। आज सुंदर भंडारा जो है भक्तों ने दी, उनमें श्री मिठन लाल गुप्ता जी अगर हो तो कृपा करके हमारा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें, और श्री देशपाल जी इनके लिए जोरदार तालियां। देखो यथाशक्ति सेवा दान स्वरूप किस प्रकार से की जाती है देशपाल जी से की जा सकती है। कल अचानक इनके मन में भाव उदय हुआ और आज इन्होंने भंडारा कर दिया, जोरदार तालियां। श्री मिठलाल गुप्ता जी हैं उनके भ्राता छोटे मीनाक्षी दीदी है इधर, पत्नी है, हाँ है ठीक है। मीनाक्षी दीदी आप आ जाओ, वो नहीं आए, कोई नहीं आया आज में से, प्रभु जी आप बैठे हुए आराम से, कहा है आपके बड़े भाई कहा है, नहीं आए। मिठनलाल गुप्ता जी की ये छोटे भाई हैं, आप गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियां, हरी बोल। उन्होंने भी आज सुंदर भंडारे में सहयोग किया, और जो मिष्ठान है मिष्ठान प्रसाद वो हमारे श्री आनंद वर्मा जी जो निरंतर पीठा की सेवा करते हैं वो कृपा करके इधर पधारे। उनके आनंद वर्मा जी है इधर, दीदी
उनकी धर्म पत्नी या उनका बेटा कोई नहीं है, छोटे कोई है? आनंद वर्मा जी, चलिए उनके लिए जोरदार तालियां। हरी बोल। कल के भंडारे के लिए हमारे प्रिय बड़े भ्राता इधर विराजमान हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत। श्री धर्म प्रकाश वर्मा जी, कृपा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज इन्होंने दो बैग चावलों के, अच्छे चावलों के लाकर यहां पर भंडारे में सहयोग किया। इनके लिए जोरदार तालियां। हरी बोल। इसके अलावा आप लोग भी प्रेरणा लेकर के कर सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव था, हम सबके पास नहीं जा सके, और आप लोग सहयोग करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसके अलावा 12 तारीख की जो जगन्नाथ रथ यात्रा है उसमें भी बहुत कुछ सेवाएं हैं, जैसे रंगोली सेवा, जैसे रथ की सेवा, उसमें हमारे गुरुदेव विराजमान होंगे, और भी आतिशबाजी इत्यादि सेवा कोई भी ले सकता है, यथाशक्ति आप लोग कर सकते हैं। धूमधाम से अगर मनाएंगे तो और आनंद आएगा। और ये जो भागवत कथा है इसमें हमारी गुरु की शतवार्षिक 100 साल पूरी हुई है। वही जो दोनों महापुरुष है ना बैठे, हमारे बामन गोस्वामी महाराज और हमारे महाराज जी दोनों है, इनकी रथ में भी क्योंकि 100 वर्ष इनकी पूर्ति हुई है, हम कोशिश कर रहे लास्ट जो दो दिन है संतों को बुला करके उनके दिव्य चरित्र को, उनको उपदेश को, उनको शिक्षा को हमें सुनाए, और लास्ट 12 तारीख को जगन्नाथ जी रथ यात्रा और दोनों गुरु जी के लिए बड़े सुंदर रथ बना करके इनको भी हम लोग पूरा संपूर्ण बड़ौद में ये भी भ्रमण करेंगे। और हम कोशिश कर रहे इस साल बड़े धूमधाम से ये कथा हो। मैंने कल बोला था कि भक्त 10-10 भक्त लाना, मुझे लगता है कुछ लाए हो, इसलिए आज इतना भरा हुआ। कुछ लाए लेकिन और भी सबको लेकर गाओ, क्योंकि प्रसाद की तो यहाँ पर है ही है, कोई चिंता की बात नहीं। कथा प्रसाद और भगवान की प्रसाद भी, दोनों प्रसाद यहाँ पर प्राप्त है। और कुछ बोलने का? दो तो रथ आएंगे उसमें दोनों महाराज लोगों के लिए, और एक झांकी जो हरियाणा से हम मंगाना चाह रहे हैं, उसमें नगाड़े वाली झांकी है, उसमें कोई सेवा देना चाहे तो दे सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक भजन का बढ़िया नाचने वाले सबके साथ आरती होगी। बोल दो ये तपन आरती के लेकर दिख रहा है।